हां जी वॉइस चेक करिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आज एक छोटा सा ये खत्म करेंगे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका आज चलिए सर ध्यान दीजिएगा आज एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसका नाम ए एस नाइन है हमारे एग्जाम में इसमें से भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा बिल्कुल थियोरिटिकल क्वेश्चन है हालांकि इलेवेंथ क्लास में सिर्फ और सिर्फ बताया जाता था ए एस नाइन नहीं बता के वो ना किसी और तरीके से आपको पढ़ा दिया जाता था कि रेवेन्यू को कैसे रिकोगनाइज करेंगे रेवेन्यू को कैसे रिकोगनाइज करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल और एजम्सन में पढ़ा दिया जाता था यहाँ पे उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है तो ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल नया चैप्टर है होगा या नहीं होगा बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है सिंपल से कुछ एक इनके पॉइंट्स होते हैं जिसको ध्यान रखना है यानी ए एस नाइन बोलते हैं आपका रेवेन्यू के बारे में रिकोगनाइजेशन रिकोगनाइजेशन पहले समझ लेते हैं बहुत सिंपल सा फंडा है और एक दो क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन आपकी किताब में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कर लेंगे खत्म हो जाएगा सबसे पहले तो भैया आपको समझना पड़ेगा ई एस नाइन को भूल जाते हैं क्या ई एस नाइन दिमाग से निकाल दो सबसे पहले रेवेन्यू की बात कर लेते हैं हमारे दो चीजें होती है एक होता है हमारा रेवेन्यू एक होता है रेवेन्यू एक होता है इनकम दोनों में फर्क है रेवेन्यू और इनकम दोनों में फर्क है सर दोनों में क्या फर्क है रेवेन्यू इनकम में ध्यान दीजिएगा जैसे मान लो मैं एक वेजिटेबल सेलर हूँ वेजिटेबल सेलर हूं तो मैं ना हमेशा क्या करता हूं दस रुपए के के हिसाब से दस रुपए के के हिसाब से मैं सामान खरीद के लाता हूँ मान लेते हैं मान लेते हैं आलू खरीद के लाता हूं मैं और मेरा ये प्रोफेशन मेरा बिजनेस है और बारह रुपए में बेच देता हूं तो हेयर दो रुपए मेरी कमाई हो गई दो रुपए की मेरी क्या हो गई इनकम जनरेट हो गया और मेरे साथ ये एक दिन का नहीं है ये मैं डेली यही काम करूंगा इसी से ही मेरा घर का खर्चा चलेगा यही मेरा बिजनेस ही है लेकिन मैं जब कभी भी पैसे हो जाते हैं मेरे पास एक, एक्स्ट्रा तो मैं उसे बैंक में जमा करा देता हूँ जैसे एक्स्ट्रा हो गया ना जैसे आप महीने में आप पचास हजार कमा रहे हो तो आप क्या करोगे बाकी का जितना खर्चा हुआ खर्चा बाकी कहाँ जमा करा दोगे आप बैंक में तो बैंक वाला भी अचानक से इंटरेस्ट दे देता है आपको अचानक से मतलब हर छह महीने तीन महीने अलग अलग बैंक का क्राइटेरिया आपको ब्याज मिलता है भले ही पांच रुपए मिल रहा हो ब्याज तो मिल रहा है सवाल ये है कि सर रेवेन्यू और इनकम में क्या फर्क है इनकम वो होता है जो कि आपका जैसे कि ये बैंक से जो ब्याज मिल रहा है ना ये इनकम है और जो आप ये आलू बेच के या सामान बेच के जो पैसा कमा रहे हैं ना दुकानदार तो उसे बोलते हैं रेवेन्यू पहले दोनों में फर्क समझ लो आप रेवेन्यू और इनकम बोथ आर डिफरेंट क्योंकि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन थियोरिटिकल बनेगा या केस स्टडी टाइप का बनेगा पर आपसे यही पूछा जाएगा एक सवाल अंत में कि बताइए हमारी रेवेन्यू कितनी रिकॉग्नाइज होगी मतलब कितने इनकम को जैसे कि मान लो मैंने बोला कि दो रुपए यहां से कमाए पांच रुपए यहां से ब्याज आए तो आपको बताना है कि मैं रेवेन्यू में कितना लिखूं तो सिंपल सी बात है आप सोचो कि रेवेन्यू का मतलब इनकम नहीं है तो रेवेन्यू में कितना लिखे तो बड़ी सीधी सी बात है कि रेवेन्यू में जो रिकॉर्ड करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ दो रूपए करेंगे पहले तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं रेवेन्यू का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो 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 हमारे पास पैसा आ रहा रहा है है वो सारा का सारा का 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 रेवेन्यू रेवेन्यू पार्ट माना जाएगा मतलब बिजनेस के एक्टिविटी से जो हमारा काम हो रहा है, उसे का पार्ट माना जाएगा ठीक है उसको किसका पार्ट माना जाएगा सर रेवेन्यू का पार्ट माना जाएगा तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए क्योंकि आपके क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकता है घुमा फिरा के मतलब जैसे मैंने ये दे दिया इस तरीके से तो सर रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो हमेशा या तो आप गुड्स को सोल्ड करोगे तब होगा अब जब मैंने गुड्स लिख दिया तो अब बात ही समझ जाओ कि आपके बिजनेस से रिलेटेड ही होगा जैसे गुड्स शब्द आ गया या फिर दूसरा आप सर्विस को प्रोवाइड करोगे तब होगा ऐसा नहीं कि आपको सामान ही बेचना है जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं आपसे फी चार्ज कर रहा हूं तो मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं तो मैं रेवेन्यू ये भी होगा तीसरा पार्ट गुड्स को भी बेच दिया सर्विस को भी हो गया तीसरा पार्ट जिसका डिविडेंड रिसीव करते हैं या रॉयल्टी या फिर इंटरेस्ट जिनका ये रिसीव करना ही काम है जैसे कुछ फाइनेंशियल कंपनी है जैसे बैंक की इनकम की बात करूं तो बैंक का इनकम क्या होता है ब्याज तो उनके लिए वो तो बिजनेस का ही पार्ट हो गया ना तो उनके लिए ब्याज जो है वो रेवेन्यू का पार्ट माना जाएगा समझ रहे हो बात को किसी का ऐसा है कि भाई वो शेयर्स मार्केट में पैसे ही लगाता है और वहीं से पैसा कमाता है डिविडेंड के रूप में तो उसके लिए भी वो रेवेन्यू है अगर मान लो दो व्यक्ति हैं एक व्यक्ति का व्यापार पैसा ही क्या है कि वो शेयर मार्केट में पैसा लगा के डिविडेंड से अपना सब कुछ करता है वो रेगुलर काम है और मैं कभी कभी शेयर मार्केट में पैसे लगा के डिविडेंड लेता हूं। तो जो डिविडेंड है मेरे लिए तो वो इनकम है लेकिन वो दूसरे साइड का जो मेरे साथ का जो है दूसरा उसका डे टू डे है उसके लिए डिविडेंट इनकम नहीं है उसके लिए डिविडेंड क्या है रेवेन्यू तो ये तीन बातें बोली गई कि अगर यहां से पैसा आएगा ना तो उसको हम रेवेन्यू का पार्ट मानेंगे यहां से पैसा आएगा तो सर कुछ ऐसे भी जगह है जहां से पैसा मिलेगा तो रेवेन्यू का पार्ट नहीं होगा बिल्कुल हां कुछ हमारे जो अकाउंट्स के रूल है ना जिसे हम ए बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो ना हर किसी स्पेशल इनकम अगर लगता है ना तो उसके लिए स्पेसिफिक रूल बनाया गया है जैसे मान लो आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बिल्डर वगैरह वो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना वो भी सामान बेचते हैं अपना सीमेंट वगैरह तो बेच रहे हैं तो बोला गया जो कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट के अंदर होगा क्योंकि उनके लिए हमने अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर सात बनाया हुआ है तो उसको हम इस रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का पार्ट नहीं मानेंगे सबसे पहले और क्या पता होना चाहिए कि वो इनकम तो होगा बट डू नॉट इन डज नॉट इंक्लूड मतलब नॉट इंक्लूड इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड नहीं होगा एक तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के लिए अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सात बनाया गया है तो बोला गया भैया जब इसको इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तो इससे होने वाले इनकम को यहां पे नहीं लेना समझ रहे हो बात क्योंकि जिसके लिए एक अलग से चीजें बन गई उसको वहीं पे रखो भाई उसको यहां मतलब क्योंकि अगर मैं बिल्डर हूं तो मैं पैसे अगर मैंने पांच लाख रुपए का सामान लगाया और दस लाख रुपए मैंने आपसे लिए तो पांच लाख की जो मेरी कमाई है है तो रेवेन्यू लेकिन ए एस नाइन कहते हैं भैया इसको मेरे अंदर मत जोड़िए क्योंकि इसे अलग से रखिए तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है एक बिल्डर है उसने ऐसे किया क्या ये रेवेन्यू रिकॉगनाइजेशन का पार्ट माना जाएगा तो आंसर इज नो क्योंकि इसके लिए अलग से सेपरेटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या है बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे अकाउंटिंग भैया देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिंपल सी बात है कि हर चीजों के लिए एक कानून बनाया गया है जिस कानून में जिस बातों को लिखा गया वो उसी के हिसाब से चलाना है बात खत्म जैसे मान लेते हैं कि ट्रैफिक रूल है तो भैया ट्रैफिक रूल का वहां पे लगेगा सारा का सारा ट्रैफिक रूल के जो कानून होंगे उसके हिसाब से फाइन देना होगा आपको क्राइम के अलग कानून बने हुए हैं तो आपको क्राइम करोगे और ऐसे तो यहाँ पे भैया इसके लिए कानून एस सात में बनाया है, तो इसके हिसाब से लेके चलना है और इसमें नौ में ये बनाया गया सर दूसरा कई बार ना हमारा गवर्नमेंट से ना ग्रांट मिलता है सब्सिडरी जिसे बोलते हैं एनपीओ में पढ़ा था ना सब्सिडरी रिसीव कर रहे जिसे हम Uh, सब्सिडी बोलते हैं सब्सिडी जो से रिसीव करते हो या फिर गवर्नमेंट से हमें सब्सक्रिप्शन वगैरह मिलते हैं तो इस ग्रांट के लिए भी अलग से एक कानून बनाया गया है ए एस नाइनटीन तो जिसको बोलते हैं हम गवर्नमेंट ग्रांट अगर यहां से है तो इसके लिए जब ए एस नाइनटीन बनाया गया है तो भैया इसको इसमें लिखेंगे क्या हम नहीं लिखेंगे यानी सरकार ने कुछ डोनेशन दे दिया सरकार ने चंदा दे दिया सरकार बोलता है तुम ये काम करो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं तो भैया ये इनकम तो है लेकिन इसके अंदर कवर्ड नहीं होगा समझ रहे हो बात को आप एक तो ये बोला गया इसको कवर्ड मत करना अब इसके साथ साथ अगर आपने कोई भी अदर जैसे कि आपने अदर पार्ट का मैं मान लू कोई भी अदर इनकम हो मैं इनकम शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं यहां उसको भी रेवेन्यू का पार्ट नहीं माना जाएगा जैसे मैं सिंपल सी बात करूं स्टॉक की बात करते हैं स्टॉक को हम जो रिकॉर्ड करते हैं ना बुक्स ऑफ अकाउंट में ये ए एस टू बताता है कौन से वैल्यू पे मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू विच इज लोअर यही सीखा है मान लेते हैं यहां दस का है और यहां बारह का तो आप कितने का लिखोगे और सेम स्टॉक बिका है नहीं अगले साल अगर हम चले जाए और अगले साल जाने का मतलब ये दस रुपए का मार्केट वैल्यू जो है वो मान लेते हैं बारह रूपए का है और इसका कॉस्ट जो है वो मान लेते हैं ग्यारह रुपए का है तो अब कितने पे रिकॉर्ड करोगे इसी स्टॉक को पिछली बार आपने दस का रिकॉर्ड किया ग्यारह एक रुपए में स्टॉक का एग्जांपल लेके चल रहा हूं वैसे इन्वेस्टमेंट में होता है ऐसा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है तो अगर इस तरीके से कुछ वैल्यूएशन की वजह से मेरे स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है या मेरे किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है मान लेते हैं मैंने एक बिल्डिंग खरीदा पांच लाख रुपए का पांच लाख का बिल्डिंग था अब मैंने बोला भैया ऐसे मार्केट वैल्यू पे दिखा देते हैं जो कि हो गया अब सात लाख तो दो लाख का फायदा हुआ दैट इज नॉट रेवेन्यू वो क्या माना जाएगा आपका इनकम जो कि मैंने पहले ही एग्जाम्पल में आपको क्लियर कर दिया कि उसको क्या मान लेंगे हम इनकम अदर तो इनकम जैसे ब्याज का पैसा हो गया एंड एक्से करिकुलम से पैसा होगा तो उसको नहीं माना जाएगा समझ में तो पहली बात कि किसको हमें रेवेन्यू रिकॉगनाइजेशन यानी रेवेन्यू का पार्ट मानना है और किसको नहीं मानना है ये क्लियर करना है उसके बाद अब दूसरा मुद्दा आएगा सर रेवेन्यू हम कब बुक्स में लिखेंगे यानी दूसरा पॉइंट पूछा जाता है कि वेन विल बी रिकॉर्ड रिकॉर्ड का मतलब सर लिखोगे कब आप लिखोगे है ना लिखने का मतलब क्या है जिस दिन आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दोगे रेवेन्यू बेसिकली क्या होगा खर्चा इनकम माइनस में खर्चा जैसे दस रुपए का आलू बारह रुपए में बेच दिया तो बारह में से दस माइनस कर दिया दो रुपए का रेवेन्यू यही होता है कब आप लिखोगे उसे तो बोला गया कि आपको रिकॉर्ड तभी करना है जब आप ना ट्रांसफर कर दो ट्रांसफर कर दो ऑनरशिप तब उसे आप सेल्स मान लेना तब उसे बेसिकली मैंने जो बताया तब उसे क्या मानना रेवेन्यू मान लेना उसको और बेसिकली मैं रेवेन्यू को थोड़ा अच्छे से और समझू ना तो कम बिजनेस का वो सेल्स माना जाएगा बिजनेस का क्या माना जाएगा सर सेल्स माना जाएगा जब हम ऑनरशिप ट्रांसफर कर दें जैसे मान लो मैं बुक सेलर हूं और ये आपकी किताब है तो मैं आपसे पैसे तो ले लू लेकिन मैं आपको बुक दू ही ना तो मेरी सेल्स नहीं है ये मुझे पैसे देने के साथ इसका मालिकाना हक आपको देना पड़ेगा अब आप इस किताब को फाड़ दो बेच दो जो मर्जी करो पैसे ले लिए मैंने नहीं ऐसा नहीं है अब जैसे मैंने आपको ये किताब दे दिया और पैसे दे दिया रेंट पे किताब दिया है ऑनरशिप आपको मिला क्या इसका नहीं मिला आप इसमें से लिख रहे हो मैं भाई, तो आपने मुझे पैसे दिए आप इसके ऊपर कुछ अपने नोट्स लिख रहे बोटा भाई नोट्स नहीं लिखना है इसके ऊपर इसका मतलब आपको इस किताब की ऑनरशिप ऑनरशिप का तो मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि आपकी हो गई वो आप जैसे मर्जी उसका इस्तेमाल करें वो आपका हो गया आप जैसे मर्जी इस्तेमाल करें समझ में आई बात आपको तो सर यहाँ पे आपको ऑनरशिप ट्रांसफर करना है अब यहां बड़ा लोचा ये है बड़ा कंफ्यूजन ये है कि भैया ऑनरशिप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में होते हैं कुछ सामान तो ऐसे बेचा जाता है कि भाई मैं सामान भिजवा देता हूं लगवा देता हूं हमारी कंपनी हम तुम्हारे साथ इतना कर रहे हैं कि दो दिन चलाने के बाद नहीं आए फिर भी मैं ले लूंगा वापस होता है ऐसा तो मैंने तो ऑनरशिप दे दिया अब दो दिन बाद आप बोल रहे हो नहीं लूंगा तो सेल्स कैंसिल हो जाएगा ये तो कुछ ऐसा होता है मैं आपसे एक पैकेज ले रहा हूँ और पैकेज फीस की मैं ले रहा हूँ मान लेते हैं कि मैं पच्चीस सौ रुपए चार्ज कर रहा हूँ और ये छह महीने की फीस है सपोज करो और अभी चल रहा है हमारा मार्च तो हमारा मार्च में छह महीने की फीस ले ली तो बाकी के पांच महीने तो अगले साल चले गए तो हमें सिर्फ मार्च मार्च का ही सेल इसमें कंसिडर करना है ना कि मैं पूरा अगर मार्च में पैसे मैंने रिसीव कर लिए पच्चीस तो इस महीने की सेल मेरी पच्चीस थोड़ी मानी जाएगी मुझे उस 2500 को पहले छह से डिवाइड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इस फाइनेंशियल ईयर में कितने महीने आ रहे हैं उसके हिसाब से लेना पड़ेगा समझ में आई बात कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा होता है जो अप्रूवल या डिस्प्यूटेबल बेसिस पे होती है कि भैया इनकम होगा या नहीं होगा इस तरीके से अप्रूवल का मतलब मैंने गुड्स दे दिया एज अ अप्रूवल बेसिस पे कि आपको पसंद आए तो तो रखना अदरवाइज मुझे दे देना तो वो भी क्या चला जाता है उसमें भी देखना पड़ेगा कि आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड कब करना एक तो बड़ी सिंपल सी बात है भैया सामान दिया पैसा लिया रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया एक सिंपल सी है लेकिन कुछ कंडीशन सिंपल नहीं होता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है मैंने सामान आपको किस्तों पर बेच दिया किस्त पे बेचा तो किस्त में तो आपको ऑनरशिप तो नहीं मिल रही ऑनरशिप चलो मान लो दे भी रहे हैं हम आपको आपको मान लो किस्ती देना आप बंद कर दो मुझे और मैं बैठ गया मेरी इनकम इतनी होगी तो वो गलत हो जाएगा ना इनकम तो एस नाइन यही समझाता है कि भैया आपको सेल्स या इनकम बड़ी सावधानी से रिकॉर्ड करनी चाहिए ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख लिया और बाद में फिर आपको ऐसी दिक्कत आ जाए कि उसे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा तो ये एस सिर्फ आपको बेसिकली अपने रेवेन्यू को लिखने यानी सर सेल्स की बात करते हैं सेल्स को लिखने का तरीका बताता है कब लिखना चाहिए कब नहीं लिखना चाहिए इस ए एस में एक बड़ी अच्छी बात बोली गई है कि आप ऑनरशिप ट्रांसफर देखो आप सेल्स और इनकम तभी रेवेन्यू तभी मान लेना जब ऑनरशिप चला जाए आप पैसे को मत देखना आप ये सोचोगे कि पैसा आएगा तो हम लिखेंगे ऐसा नहीं होता उधार भी तो दिया जाता है यानी आप मिले आपको लिख लेना है उसी टाइम अपनी सेल्स मान लो पैसे भले ही अगले साल दे उससे मत, मतलब नहीं है अगले साल देगा तो हम डेटर बना के काम करेंगे ठीक है तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं बेसिक बेसिक आपको कॉन्सेप्ट पता चला होगा बेसिकली इस रेवेन्यू रिकोगनाइजेशन और ए 90 बनाने का मकसद क्या है पर्पज क्या है इसमें से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा बताइए एक सिचुएशन दे देगा अभी देखेंगे हम कि इसमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कितने रुपए का होगा चार पांच अमाउंट देके कर देंगे जैसे मैंने बोल दिया हमारा ऑर्डिनरी गुड से पांच लाख रुपए आया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से दो लाख रुपए आया इसके बाद एक इंस्टॉलमेंट पे बेचा तीन लाख आया तो उसमें से चुन के आपको टोटल करके बताना होगा कि इस साल में इतना अमाउंट रेवेन्यू में लेना पड़ेगा एक तो ये सवाल बन जाता है सात से मतलब पांच से सात नंबर जो भी मानो और एक थियोरिटिकल माना जाएगा कि बताइए इसमें क्या चीजें इंक्लूड है क्या चीजें इंक्लूड नहीं है कब लिखेंगे कब नहीं लिखेंगे तो पहले हम थोड़ा सा थियोरिटिकल पॉइंट को पढ़ लेते हैं सर थ्योरिटिकल पॉइंट में अगर देखा जाए ऑब्जेक्टिव क्या है रेवेन्यू रिकोग्इजेशन का तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन देखा जाए ना तो क्वेश्चन में मैं बड़ी बेसिक सी चीज बताऊ ना ये पता है क्या बोल रहा है भाई प्रॉफिट कमाओगे क्यों तुम क्यों प्रॉफिट कमाना चाहते हो बताओ क्यों कमाओगे प्रॉफिट तो भाई सीधी सी बात है भाई जिंदगी में बहुत सारी जरूरतें हैं और काम ही इसलिए कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए तो वो. तो कहता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इनकम मेजरमेंट क्या ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस मैनेजमेंट तो देखो यहाँ पे इनकम अलग चीज है एंड रेवेन्यू अलग चीज रेवेन्यू एजा एक तरीके से सेल्स होता है और इनकम तो नेट में जो इधर उधर से कमाई हो जाता है तो एक क्वेश्चन है कहता है कि परफॉर्मेंस ऑफ इवेलुएशन इवेलुएटिंग टोटल परफॉर्मेंस मतलब हम इसलिए मेजरमेंट करते हैं मेजरमेंट का मतलब इनकम निकालना निकालना इसलिए इनकम निकाला जाता है ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर पाए कि हम काम अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं का क्या मतलब है सर ताकि हमें पता चल जाए कि ठीक है ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे बिजनेस का प्रोग्रेस क्या है क्योंकि मैं पूछूं कि भाई काम काम वाम ठीक चल रहा है ना आपने एक दुकान खोली और मैं पूछूं आपसे आपका काम वाम सब ठीक चल रहा है तो आप कैसे बताओगे आप बताओगे अपने इनकम को देख के पिछली बार की कमाई मेरी पांच थी इस बार की कमाई मेरी सात लाख है तो बोला बढ़िया चल रहा है पिछली बार से तो बढ़िया है कैसे बताया इनकम को देख के तो बताया आपने ठीक है दूसरा कहता है इन आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन फैसला जब प्रॉफिट होगा तो आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लोगे इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कैलकुलेटिंग रिटर्न इन्वेस्टमेंट मतलब व्यापार में और पैसा लगाओ या ना लगाओ आपको पता चला लॉस हो रहा है और बिजनेस में पैसा लगाए जा रहे हो लगाए जा रहे हो तो उसका कोई फायदा तो एक तो ये पर्पज ऑब्जेक्टिव होता है तीसरा आपका डिटरमाइनिंग द टैक्स लाइबिलिटी अब भैया आप टैक्स भरोगे प्रॉफिट पे ही ना आपको प्रॉफिट ही नहीं निकाल पाओगे तो कब तो एक तरीके से मैं बोलू ना तो ये है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग सिंपल सी बात करूं एक क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द एडवांटेज तो ये लिख दो या वो लिख दो वहां भी बोलता है टू कैलकुलेट प्रॉफिट टू बिजनेस के पोजीशन को पता करने के लिए टैक्स लाइबिलिटी को जानने के लिए लोन लेने में बेनिफिशियल मिलता है तो सारे पॉइंट्स वही हैं लगभग कहता है डिविडेंड डिसीजन के लिए सर डिविडेंड आपका प्रॉफिट होगा तभी फैसला ले पाओगे कि कितना डिविडेंड आपको देना है मीटिंग सी एस आर एक्टिविटी सर सी एस आर क्या होता है आपका आपका कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ये कहती है कि आप जो इतना पैसा कमाते हो ना तो इतना पैसा क्या करोगे कंपनी आपको थोड़े पैसे लोगों के भलाई के लिए भी चंदा दो अब जब लोगों के भलाई के लिए एक परसेंटेज फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने कि इतना तो देना ही देना पड़ेगा नहीं तो भैया फिर आपको फिर हम सारी फैसिलिटी नहीं देंगे आपको तो वो जो पैसा एक चंदे में दिया जाता है उसे बोला जाता है सी एस आर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे आप देखो कि सारी कंपनी जितनी भी कंपनी आप देखते हो ना इतना उसने यहाँ दान दे दिया इतने का यहाँ बेनिफिट दिया लोगों को इतनी यहाँ भलाई कर दिया उसके लिए हॉस्पिटल बना रखा है तो जितनी बड़ी कंपनी है ना सबने अपना स्कूल और हॉस्पिटल तो खोला हुआ है क्योंकि वो सोचते हैं सी एस आर यानी मुझे बाहर वालों को पैसे देने से अच्छा हम ही खुद बना लेते हैं एक स्कूल और बोलते हैं कि लोगों की भलाई करनी है तो कर रहे हैं वो तो एक तो ये पॉइंट हो गया दूसरा फॉर्मुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि भैया आपको फॉर्मुलेशन गवर्नमेंट को भी ना आपका फॉर्मुलेशन का मतलब होता है बनाना गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी बनाने में मदद मिल जाता है कैसे मदद मिलता है अगर ज्यादा इनकम जनरेट करके ज्यादा टैक्स भरोगे तो गवर्नमेंट उसी के हिसाब से तो, तो पॉलिसी बनाएगा अगर गवर्नमेंट को इनकम का सोर्स नजर आएगा कि भैया हम इस साल इतने करोड़ रुपए का इनकम आएगा तो उसी के हिसाब से उसको खर्चा करके दिखाएगा ठीक है ना इसके बाद मीटिंग एम्प्लॉय नीड्स मतलब भैया अपने एम्प्लॉय को तो दोगे ना बोनस वोनस तो उसके लिए प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी यहीं से तो दोगे आप एक तो बेसिक सा हो गया यानी सर अगर एडवांटेज आ जाए ना तो आंख बंद करके ये पॉइंट लिखो पूरे नंबर मिलेंगे यहाँ यहां पे दो कहानी बन जाती है अकाउंटिंग के एडवांटेज भी और ये भी समझ में आई बात आपको चलिए सर इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड्स डिफरेंट कमर्शियल सिचुएशन ये इंपॉर्टेंट है कि इसके क्या क्या हमारे सिचुएशन में ये लगेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस किस सिचुएशन में लगेगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहां से मेन पॉइंट हमारा यही पढ़ना है थ्योरी में जिसके ऊपर से सवाल पूछा जाएगा तो सर हम बात करें क्या क्या एप्लीकेबल होगा तो कहता है द फॉलोइंग एग्जाम्पल सर्व हाउ द स्टैंडर्ड अप्लाइड वेरियस कमर्शियल कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्ट कमर्शियल का मतलब भैया अपने बिजनेस के ही इनकम को करोगे और बिजनेस किया जाता है ना किसी भी प्रकार का बिजनेस दो पॉइंट है, है, से वेन गुड्स आर नहीं पहला पॉइंट ही चल रहा है सेल ऑफ गुड्स इसके अंदर पहला पॉइंट वेन डिलीवरी इज डिले परचेज रिक्वेस्ट जनरेटेड टाइटल एक्सेप्टेड बिलिंग इसका मतलब क्या हुआ सर वेन डिलीवरी इज डिलेड ऑन परचेज यानी उसने परचेज तो कर लिया और आप बोल रहे भैया थोड़ा रुक के आपके पास सामान आ जाएगा यानी कहने का मतलब है कब रेवेन्यू सेल ऑफ गुड्स मानना है इवन फिजिकली डिलीवर हैज नॉट है लॉन्ग देअर हाई लाइकहुड दैट विल बी हाव एवर रेदर देन ओनली हैविंग इंटेंशन टू बाय मतलब सामने वाले पार्टी का इंटेंशन बाय करना है और बाय करना अगर उसका इंटेंशन है तो आपको उसको गुड्स डिलीवर्ड हुआ या नहीं हुआ आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए समझ में आई बात आपको कहता है कि हाउएवर एवर रेदर देन ओनली हैविंग इंटेंशन टू बाय प्रोड्यूस द आइटम फॉर डिलीवरी द आइटम मस्ट बी रियली प्रेजेंट आइटम होना भी चाहिए आइडेंटिफाइड भी होना चाहिए इंटेंटेड होना चाहिए डिलीवर टू बायर होना चाहिए रिकोगनाइज किया जा सकता है मतलब बड़ी बेसिक सी बात है भैया जब आपका डिलीवरी डिले होगा तब भी आप इसको रेवेन्यू को रिकोगनाइज कर लेना लेकिन वो सामान आपके पास एक्चुअल में होना भी चाहिए आपने किसी से डील कर लिया मैं तो चांद बेचूंगा और बोलो आएगा अभी आएगा अभी आएगा अभी आ रहा है रस्ते में ऐसा नहीं पॉसिबल है ना मतलब वो सामान एग्जिस्ट होना चाहिए आपके पास समझ रहे हो ना बात को चलो सर दूसरा वेन गुड्स डिलीवर्ड फ्यू कंडीशन यहां पे कुछ कंडीशन है ये इंपॉर्टेंट है मैं इस पॉइंट को जितने भी आएंगे ना इसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा वेन गुड्स आर सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस अप्रूवल मतलब सामने वाला पार्टी अप्रूव्ड करेगा तभी हम उसको सेल्स मानेंगे अदरवाइज नहीं मानेंगे मैंने सामान भेज दिया भाई देख लो पसंद आएगा रखना नहीं तो वापसी कर देना क्या कर सकते हैं और ये सेम एमेजोन फ्लिपकार्ट यही करते हो रिटर्न पॉलिसी क्या है अप्रूवल बेसिस आप सामान मंगवा लेते हो देख लेते हो पसंद आता है ठीक नहीं तो वापस कर देते हो तो वो जब आप अप्रूव्ड कर देते हो ना वो सात दिन जब बीत जाते हैं ना अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले के तब बोलते हैं अब ये मैं सेल्स में लिख रहा हूं क्योंकि उसके बाद आप बोलोगे ना सर समझ में नहीं आ रहा रही सामान तो वो बोलेगा सर ये तो रिटर्न से ज्यादा टाइम हो गया तो अब ये तो रिटर्न वो तो आपको लेना ही पड़ेगा समझ में आई बात आपको तो कब होगा वेन गुड्स आर गुड्स सोल्ड एन अप्रूवल बेसिस पे अगर हुआ तो बोला जाता है रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकोग्नाइज रेवेन्यू मत रिकोगोग्नाइज करना अंटिल द बायर फॉर्मली एक्सेप्टेड जब तक बायर एक्सेप्ट ना कर ले कि मैं रखूंगा इसे The buyer has 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 taken action, implement transaction rejection rejection period period, been passed. passed. On absence of rejection period. reasonable amount of time buyer मतलब accept करने का मतलब ये नहीं है फोन करके बोलेगा कि हाँ भाई मैं रख रहा हूँ एक सर्टेन टाइम दे दिया गया वो टाइम अगर बीत गया तो assumption ले लिया जाएगा बायर ने अप्रूवल कर दिया है जैसे सात दिन डिलीवरी के बाद तक आपने कुछ नहीं बोला तो हम मान लेंगे आप तो अब रखना ही पड़ेगा आपको में है तो पहला ये है कि जब अप्रूवल बेसिस पे होगा तो जब तक बायर अप्रूव्ड ना कर दे तब तक आपको सेल्स नहीं मानना है समझे बात आप अगले पॉइंट पे चलते हैं सर थोड़ा ब्लर हो गया ये बाकी मैं हेडिंग पढ़ रहा हूं आप सबके पास किताब होगा तो मैं हेडिंग पढ़ के समझाता जाता हूं When goods on subject to basis अगर आप गुड्स को बेचते हो किस बेसिस पे इंस्टॉलमेंट बेसिस पे इंस्टॉलमेंट का मतलब किस्तों पर तो क्या कहता है ऑर्डिनरली रेवेन्यू शुड बी रिकॉगनाइज अंटिल आफ्टर कस्टमर हैज एक्सेप्टेड इवन इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शन फिनिश मतलब जबकि सब्जेक्ट टू सॉरी वहां पे मैंने बोल दिया ये ये नहीं है ये और है और मतलब कई बार सामान जैसे मैं बता रहा था कि आपका कई बार सामान ऐसे होता है जैसे आपने कोई सामान खरीदा तो कई बार ऐसे होता है कि आपके घर पे आएगा बंदा लगाएगा चेक कराएगा तब पैसे देना होता है ना अभी कुछ अमाउंट एडवांस दे दो या तो फिर हम बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जिसके अंदर ऐसा होता है घर पे आएगा और लगाएगा चेक कराएगा आप देखोगे हाँ ठीक ठाक चल रहा है तो यानी घर पे आएगा इंस्टॉल करेगा वो ठीक है उसके बाद उसे चेक करने का मतलब इंस्पेक्ट करेगा कि भैया देख लो चेक कर लो चल रहा है या नहीं चल रहा टीवी की बात कर ले इसी की बात कर ले आपने अब ओके कर दिया हाँ भाई तुमने सही काम किया है अब आप पैसे दोगे या आपने एडवांस दे रखा भी हो तो वो वैलिड नहीं है सेल्स नहीं माना जाएगा जब ये दोनों बातें पूरी हो जाएगी इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शन तब जाके आप उसको सेल्स मानोगे समझ में आई बात आपको कोई दिक्कत है इसमें तो ये लाइन यही कह रहा है यहां पे कि ऑर्डिनरली रेवेन्यू शुड बी शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड अंटिल कस्टमर हैज एक्सेप्ट द डिलीवरी इवन आफ्टर द इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शन फिनिश मतलब कि अगर कस्टमर ने डिलीवरी ले भी लिया तो उसे सेल्स मत मान लेना जब तक वो इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता देयर इज रेयर आपका इंस्टेंस वेयर द इंस्टॉलमेंट प्रोसीजर मे बी आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड एनी परमिसेबल रिकॉग्नाइज मतलब जो मैंने बोला थोड़ा सा ब्लर आ गया ये फोटो सही नहीं आई बट आपको समझ में पॉइंट आना चाहिए आप सभी के किताब में गिवन है ये पॉइंट आपको लिखने को आ सकता है पॉइंट क्या बेसिकली आपके ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि मैंने एक कस्टमर को क्या करा एक सामान बेचा है और सामान बेचा है वो इस बात पे आधारित था कि कस्टमर क्या करेगा इंस्टॉल इंस्पेक्शन पे करेगा और हमने सामान भेज दिया 31 मार्च को पांच लाख रुपए का इंस्टॉलेशन भी हो गया है इंस्पेक्शन होना बाकी है इंस्पेक्शन पांच अप्रैल को हुआ जाके तो बताइए इस साल के इकतीस मार्च में इसको सेल मान ले या ना माने इस तरीके से सिचुएशन होगा समझ में आई बात आपको तो जब तक आपको थ्योरी पार्ट नहीं पता होगा तो आप लिखोगे नहीं तो आप बोलोगे यार घर पे भी चला गया लग भी गया तो मान लो सेल तो गलत हो जाएगा वो आगे कहता है वेन डिलीवरी गुड्स मेड गिविंग अ परचेज राइट ऑफ रिटर्न कई बार होता है रिटर्न के ऊपर जैसे अमेजोन का मैंने एग्जाम्पल लिया कि आप रिटर्न कर सकते हो तो जब तक वो ना बोल दे जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या कहता है द कंडीशन स्पेसिफिक टर्म डिटरमाइन हाउ रेवेन्यू इज रिकोगनाइज सर्टेन केसेज अकॉर्डिंग टू पीरियड एक्सपीरियंस में भी रीजनेबल रिकोगनाइ जब आप रीजनेबल टू द रिकोगनाइ से मनी बैक नॉट सटनली सेटिस्फाइड मतलब आपने जो भी टाइम दायरा दिया ना कि रिटर्न कर सकते हो वो टाइम निकल गया ना जैसे कि अमेजोन वगैरह का बताया तभी आप रिकॉर्ड करोगे okay? टाइम बीतने के बाद का सर लीज अकाउंट का सेकंड पार्ट अभी अभी सेकंड पार्ट अभी कर देंगे बस एक जनरल एंट्री है इसी के बाद ही खत्म करेंगे चिंता मत करो सेल ऑफ गुड्स ऑन कंजाइनमेंट बेसिस कंजाइनमेंट बेसिस का मतलब होता है सामान जैसे मैंने अमेरिका से मंगा लिया अब अमेरिका से सामान आता है शिप के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंजाइनमेंट मतलब होता है जो रास्ते में माल आ रहा है ना उसे कंजाइनमेंट बोलते हैं तो अब जब कंजाइनमेंट में होगा तो कब सेल मानोगे यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं या तो उसने डिस्पैच कर दिया वहां से माल और बोला भाई तेरी जिम्मेदारी है तू मंगवा अपना जैसे भी मंगवाएगा तो वो अगर मेरे पास माल नहीं पहुंचता तब भी वो सेल मान लेगा दूसरा होगा कि भैया जब मेरे पास सामान आएगा मैं लिख के दे दूंगा कंफर्म कर दूंगा कि भैया सामान आ गया है तभी मेरा पैसे दूंगा नहीं तो नहीं दूंगा यानी जब तक कंसाइनमेंट का गुड्स डिलीवर्ड नहीं हो जाता कस्टमर के पास तब तक सेल नहीं मानना है तो यही कहता है सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस पे रेवेन्यू शुड बी अंटिल द गुड्स सोल्ड थर्ड पार्टी कहता है रेवेन्यू आपको शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज मत रिकॉग्नाइज करना अंटिल द गुड्स आर सोल्ड जब तक गुड्स को बेचा ना जाए टू द थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी को बेच नहीं आ दे अब यहां पे समझिएगा कंसाइनमेंट क्या होता है एक होता है ए एक होता है बी और एक होता है कस्टमर सी ए होता है मालिक जैसे मान लेते हैं कि मुंबई में बैठा हुआ है और एक दिल्ली में एजेंट एजेंट बैठा हुआ है बेसिकली इसने इसको सामान दे दिया मान लेते हैं मुझे एक मोबाइल फोन बेचना है और मैं मुंबई में तो बेच रहा हूं मेरा है दुकान अब दिल्ली में मेरी दुकान है नहीं मैंने दिल्ली में किसी डीलर को पकड़ा मैंने बोला कि भाई तू मेरा मोबाइल बेचेगा तेरे को कमीशन देंगे उसने बोला हाँ तो मैंने माल कहां भेज दिया बी के पास अब बी किसको बेचेगा कस्टमर को तो अगर मैंने बी को सामान दिया एज कंसाइनमेंट तो सेल मत मान लेना बी तो बोलेगा यार पता नहीं घटिया माल बेच दिया बी नहीं ले जा अपना माल उठा के तो तो सेल थोड़ी ना हुआ जब तक ये थर्ड पार्टी को ना बेच दे ये थर्ड पार्टी हो गए ना एक दो तीन पार्टी हो गए ना तो वही बात यहां कह रहा है रेवेन्यू शुड बी रिकॉगनाइजिल द गुड्स आर सोल्ड टू द थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी कौन कस्टमर को जब तक बेच नहीं आ, बेच नहीं दिया जाता तब तक रेवेन्यू नहीं मानना है ठीक है कहता है कैश 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 ऑन ऑन डिलीवरी डिलीवरी सेल्स सेल्स का मतलब क्या होता है रेवेन्यू शुड नॉट बी बाय द सेलर जब तक आपको आपने भेज दिया कुरियर कर दिया भाई कैश ऑन डिलीवरी है उसने पैक वैक करके भेज दिया अब पता चला भाई कुरियर वाला ले गया आप खुश हो जाओ हाँ माल बिक गया और लिख लो सेल पता चला वहां पे जब गया कैश ऑन डिलीवरी उसने बोला मेरे को नहीं चाहिए माल मैं पैसे नहीं दूंगा तो आपका सेल तो हुआ नहीं तो आपने पहले गलती कर दी इसका मतलब मतलब ये सारे जो पॉइंट्स कर रहे हैं ना ये बता रहे हैं सेल इस टाइम मत लिख लेना बाकी टाइम पे तो लिखते ही लिखते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी पे हो तो सेल डिलीवरी भेजते टाइम पे मत लिखना जब तक कैश रिसीव नहीं हो जाता तब तक सेल्स नहीं मान लेना कहता है सेल्स ट्रांजेक्शन वेन वेंडर डिलीवर द आइटम ओनली आफ्टर रिसीविंग द फुल पेमेंट फ्रॉम द बायर आफ्टर कई ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं कि एडवांस दे दो बाकी बाद में दे देना और आप एडवांस हमेशा क्या देते हो बहुत कम देते हो आपने एडवांस दे दिया बाकी बाद दे 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 बाकी बाद बाद में में दे देना बोला मेरा मन नहीं है लेने का आपका मान लेते हैं आप टीवी वगैरह लेने गए एक लाख रुपए का टीवी है दुकान पे गए आपने बोला पसंद आया तो सेल्समैन बड़े, बड़े बड़े चलाक होते हैं बोलते सर कल रेट बढ़ सकता है कुछ पता नहीं है तो एक काम करो ना थोड़ा सा एडवांस दे दो जो भी है आपके मन में हजार पांच सौ रुपए जो भी दे दो आपको बुकिंग हो जाएगी इससे अब आपने पांच सौ रुपए दे दिया अब वो सोच रहा है आए चाहे ना आए अब ये पांच सौ रुपए लेने तो आएगा नहीं अब तब तक मैं सेल एक लाख रुपए की टीवी नहीं मानूंगा जब तक कि बाकी के पैसे नहीं आ जाते अगर मैं आज ही सेल मान लू कि एडवांस तो आ गए हैं चलो सेल में रिकॉर्ड कर दो पता चला पांच सौ रुपए की चीज ही बेची हमने पांच सौ रुपए आए हैं कैश और मैं दिखा रहा हूं एक लाख रुपए का सेल और यहां पता चल रहा है निन्यानवे लाख पांच सौ रुपए का तो नुकसान आ रहा है यहां वेंडर <laughs> तो अगला पॉइंट क्या है वेन गुड्स स्टॉक स्टिल मैन्युफैक्चर एंड टू बी डिलीवर डिलीवरी टू कस्टमर थर्ड पार्टी गुड्स प्रेजेंटली हेल्ड मतलब जब तक आपके पास स्टॉक नहीं है आप उसे सेल नहीं मान सकते और क्या कहता है सर यानी आपको इतनी बातों से थोड़ा थोड़ा आइडिया जरूर लग जाएगा कि कब क्या करना है सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन बनेंगे इस पर प्रैक्टिकल थियोरिटिकल नहीं आएगा कि कब रिकॉर्ड करना है इस पर केस स्टडी आ जाएगा आपका जैसे बोल दिया जाएगा सिंपल सी बात है जैसे मैंने बोला कि जब तक फुल पेमेंट ना रिसीव करते मैं बोल दूंगा एक्स है मिस्टर एक्स ने गुड्स सोल्ड किया वाई से और उससे बीस हजार रुपए रिसीव कर लिया एज अ टोकन मनी या एज एडवांस मनी ऑन थर्टी मार्च को और बाकी का बैलेंस पेमेंट उसने रिसीव किया पांच अप्रैल को तो बताइए इसको रेवेन्यू रिकोगनाइजेशन कब करेंगे मार्च वाले साल में करेंगे या अगले साल में जाएंगे तो अब पता है तब बोल रहे हो ना अगर नहीं पता होगा ये थ्योरी तो आप बोलोगे पैसे तो आई गए सेल तो होगा इसी में मान ले लो क्योंकि एक तो बात ये कॉन्सेप्ट होता है पैसे मिले चाहे ना मिले सेल्स मान लो लेकिन उसके अंदर भी एक्सेप्शन केस आ जाता है भैया इसके अंदर ऐसे ऐसे सिचुएशन हो तो तब कब सेल मानना है आपको ठीक है ना एक कहता है इन केस ऑफ एग्रीमेंट सेल्स परचेज एग्रीमेंट सेल्स एंड परचेज विच सेलर करंटली एग्रीड टू बाय प्रोडक्ट बैक ऑफ द बायर लेटर आइटम ठीक है कई बार ऐसा होता है कि एग्रीमेंट हो जाता है सेल का एंड परचेज का मतलब कि आपको हम बेच रहे हैं खरीदिए और हम इसको वापस भी लेंगे फ्लिपकार्ट ने एक ऐसा ऑफर चलाया था फोन खरीदो और फोन पता है उसके एक साल बाद बेचोगे तो हम इसे तीस सत्तर परसेंट पे वापस ही खरीद लेंगे ऐसा ऑफर आया था एक बार एक्सचेंज नहीं इसको हम ही खरीद लेंगे कोई एक्सचेंज नहीं आपको इतने पैसे दे देंगे मतलब अभी आपको इतने ही पैसे देने इसने तो कई सेलर ऐसा कहते हैं कि भैया ये सामान हम आपको बेच रहे हैं और आप मुझे ही वापस बेचना है इसे तो इसे एग्रीमेंट बोल देते हैं ये सारा का सारा जैसे कि किसमें था हमारा लीज वाला पॉइंट याद आ रहा होगा थोड़ा लीज में इसमें लीज भी इसमें कवर नहीं होता ध्यान रखना लीज भी इसमें कवर नहीं क्योंकि उसके लिए अलग से है तो अगर बोलता है मैं वापस ही खरीद लूंगा तो ऐसे सिचुएशन में उसे भी आप रेवेन्यू रिकोगनाइजेशन मत मानना ये तो लीज वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि मैंने आपको सामान बेचा फिर आपको वापस ले लिया कुछ इस टाइप से तो इसे भी नहीं मानना है कहता है इज दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल एग्रीमेंट द रिजल्टिंग द कैश इनफ्लो नॉट रेवेन्यू शुड बी नॉट रिकोगनाइज बस वही बात बोल दी उसने रेवेन्यू इसको नहीं मानेंगे इसका ट्रीटमेंट होगा लीज के हिसाब से ये एस उन्नीस बताएगा इसको कैसे करना है नहीं मानेंगे क्योंकि वापस ही वा सेल तो हुआ ही नहीं ना फिर इसको हम अदर इनकम मान के एज ए इंटरेस्ट वो डिपेंड करेगा ए एस नाइनटीन क्या कहता है वेन गुड्स आर सोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन डीलर अदर रीसेल द इंटरमीडिएट पार्टी जब हमने गुड्स को बेचा है सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है बड़े व्यापारी जैसे मैन्युफैक्चरर होता है उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको भेजा है या डीलर को बेचा है अदर फॉर सेल मतलब दूसरे को बेचने के लिए मैं डिस्ट्रीब्यूटर को दूंगा तो ऐसे थोड़ी बोलूंगा तुम ही इसे यूज करना वो आगे बेचेगा कस्टमर पे लास्ट में जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में जनरल रेवेन्यू फ्रॉम सच सेल कैन बी रिकॉग्नाइज इफ मेजर रिस्क एंड ऑनरशिप हैज बिन पास जब पास हो जाता है और जनरली जब आप काम करोगे ना तो आप अगर डीलर हो ना तो आप उससे माल सारा उधार पे लेते हो और वहां पे ऑनर से बात रहती है कि भैया सामान नहीं बिका तो बोलो बोलोग वापसी कर देना यानी अगेन रिटर्न वाली बातचीत आ जाएगी यहाँ पे तो आपने जब डीलर को सामान बेचा है तो रेवेन्यू मत मान ला जब तक सारा रिस्क चले ना जाए और जब तक डीलर की तरफ से ऐसा ना लगे कि हाँ भाई सब माल बिक जाएगा ठीक है ना तो कहता है कि इन जनरल रेवेन्यू फॉर सच सेल कैन बी रिकॉग्नाइज इफ मेजर रिस्क ऑफ ऑनरशिप हैज बिन पास मतलब कि पास हो गया However, if some circumstances buyer may be be that agency and such case the sales should not be handled as a consignment sale. भैया हमारे बस की नहीं रही अब अब हम कर ही नहीं पाएंगे तो ऐसे सिचुएशन में छोड़ देंगे उसको नहीं लिखेंगे सेल्स का पार्ट अगला है सर आपका इंस्टॉलमेंट सेल इंस्टॉलमेंट सेल में कहता है कि रेवेन्यू एट्रीब्यूबल मतलब तब लिखो जब आपका सेल्स प्राइस एक्स आपका एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट शुड भी रिकोगनाइज मतलब जब किस्तों पे बेचोगे तो रेवेन्यू उसी पार्ट को मानना ब्याज वाले पार्ट को छोड़ के जैसे आपको दस हजार का सामान था और आपको मैंने बोला पांच पांच हजार रुपए की आपको तीन किस्तें देनी है तो आप तो मुझे पंद्रह हजार दे रहे हो तो सेल में पंद्रह नहीं मानूंगा उसमें से इंटरेस्ट को हटा के मानूंगा उसमें से इंटरेस्ट को हटा के मानूंगा समझे बात चलिए आगे कहता है ट्रेड डिस्काउंट अगर ट्रेड डिस्काउंट हुआ तो उसको काटने के बाद जो है कहता है ट्रेड डिस्काउंट एंड वॉल्यूम ऑफ रिवेट ऑप्टेन द फॉल द अंडर द ऑफ रेवेन्यू बिकॉज ऑफ दे आर लोअर कॉस्ट वेन कैलकुलेट रेवेन्यू ट्रेड डिस्काउंट वॉल्यूम रिवेट शुड बी सब्सट्रैक्ट मतलब जब अगर डिस्काउंट पे कोई सामान बेच रहा हूं एमआरपी मेरा एक लाख रुपए और दस परसेंट का ट्रेड डिस्काउंट है तो मैं नब्बे हजार लिखू या एक लाख लिखू एक ये कहता है डिस्काउंट को क्या कर देना है सबस्ट्रैक्ट यानी नब्बे हजार लिखना होगा अगर हम कोई चीज बेचते हैं डिस्काउंट पे तो सेल कितना मानोगे नब्बे तो मानोगे आप ऐसे तो 50 परसेंट पे देखते हो कहीं ऑफर चलता है फ्लैट तो वो सेल कितना मानते हैं 50 परसेंट को ही सेल मानते हैं ऐसा नहीं कि पूरा 100 परसेंट सेल लें चलिए अगला है सर रेंडरिंग ऑफ सर्विस बी पार्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट ए पार्ट खत्म हो गया कुछ बातें थे रेंडरिंग ऑफ सर्विस अगर होगा तो ट्यूशन फीस को जितना पीरियड के लिए उस पीरियड में जा रहा है उतना ही ट्यूशन फीस को कंसिडर करना है इसके बाद इंस्टॉलेशन फी इंस्टॉलेशन फी को कब माना इंस्टॉलेशन फी शुड बी ओनली द रिकोगनाइज रेवेन्यू आफ्टर द इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द क्लाइंट अनलेस दे आपका इंडिकेट द सेल इज प्रोडक्ट जब तक आप इंस्टॉलमेंट कई लोगों का काम होता है इंस्टॉलेशन कराना है है तो तो इंस्टॉलेशन का काम आप सर्विस दे रहे हो जैसे मान लो ए है और ए का, का काम पता है कौन कर रहा है मैं डाइकिन का AC खरीद रहा हूं। लेकिन इसको इंस्टॉल कराने के थर्ड पार्टी ने काम ले लिया कि तो मैं इंस्टॉल करूंगा तो उसके वो क्या करेगा डायकन कंपनी से जो सर्विस इंस्टॉलेशन करेगा वो पैसे लेगा तो मैंने एसी इंस्टॉल करवाया इंस्टॉल करवाने के बाद ए मैंने खरीद लिया और कंपनी ने उसको असाइन भी कर दिया कि भाई एक काम कर तू का हाँ, का रिकॉग्नाइज तो करना होगा इंस्टॉलेशन डिपार्टमेंट जो है जो वाला थर्ड पार्टी हो तब करना है जब मैं इंस्टॉलेशन वो कर देगा और मैं यहां अप्रूव्ड कर दूंगा ओके तब जाके वो मानेगा कि उसके पास पैसा आ जाएगा अदरवाइज नहीं आएगा ठीक है सर इसके बाद कुछ एक पॉइंट है क्या पॉइंट है इसके बाद एक पॉइंट है एडमिशन फी एडमिशन फी क्या होता है आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस ऑफ बैंकेट जैसे बैंकेट वगैरह हो गया आपका या अदर स्पेशल इवेंट के लिए हो गया रिकोगनाइज हो गया कैटरिंग का हो गया आपका वेन uh, दस आपका सब्सक्रिप्शन सेवरल इक्विपमेंट परचेज फीस शुड बी इवनली सिस्टमेटिकली इंटरप्रिटेड अमंग कहता है कि एडमिशन फीस अगर लेते हो ना जैसे बैंकेट होल वाले ले लेते हैं अपने पार्टी वो भी आपका किसका पार्ट माना जाएगा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का पार्ट माना जाएगा मेंबरशिप फीस द टाइप ऑफ सर्विस बीइंग ऑफर टू द डिटरमाइन सो मच रेवेन्यू इज रिकोगज वेरियंट सोर्सेस यानी मेंबरशिप फीस हो चाहे इंटरेस्ट हो ये भी इनकम का पार्ट माना जाएगा एडवर्टीजमेंट एंड एजेंसी का कमीशन है वो भी रेवेन्यू का पार्ट माना जाएगा फाइनेंस सर्विस कमीशन है ये भी रेवेन्यू का पार्ट मतलब ये सारी बातें बता दी गई है कि किसको रेवेन्यू का पार्ट मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे ठीक है यहाँ तक क्लियर है अब एक कुछ एक सवाल है इसके ऊपर जैसे ना? कि ये हाँ बताइए कौन सा बैंक वो इंस्टॉलमेंट वाला सॉरी इंस्टॉलेशन वाला मान लेते हैं इंस्टॉलेशन का देखो पूछ रहे इंस्टॉलेशन वाला बता दो चलो बता देते हैं जैसे मान लो मैं हूं ये ए और मैंने ए खरीदा है मान लेते हैं कि किससे खरीदा एल जी से खरीदा तो एसी ए सी जो खरीदा एलजी एलजी ने बोला कि आपका ना फ्री में इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो भाई एसी फ्री में कहां से करेगा उसके पास भी तो लेबर होगा एसी एलजी ने क्या कर रखा है एक मान लेते हैं पीजी कंपनी है जिसका काम ही एसी इंस्टॉलेशन कराना है इसको पकड़ लिया जैसे ही एसी मेरे घर पे आया तो अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं किस दिन इस इंस्टॉलेशन वाले को बुलाऊंगा लेकिन जैसे ही एलजी कंपनी एसी बेचेगा फट से इसको मैसेज दे देगा कि एक एसी गया वहां तुझे इंस्टॉल करना है क्योंकि क्या बोलते हैं कंपनी वाले डायरेक्ट आ जाएंगे कुछ जानकारी दोगे तभी तो दो। तो इस कंपनी वाले ने इसको दे दिया तो इसके लिए जो भी इंस्टॉलेशन करेगा पर इंस्टॉलेशन पे एल कंपनी इसको कुछ पैसा देगा जो कि इस कंपनी के लिए क्या माना जाएगा रेवेन्यू अब एसी एलजी कंपनी ने बोला जा वहां इंस्टॉलेशन करा ले तेरे को पेमेंट मिल जाएगा अब पता चला मैं यहां पे अप्रूव नहीं कर रहा बैठ के मैं मैं बोल रहा भाई अभी अभी मत 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 आ आ आ कल मता, परसों मता, नहीं आना अगले साल कराऊंगा तो जब मैं इंस्टॉलेशन करा लूंगा और मैं अप्रूवड कर दूंगा मैसेज में ओके okay, तब एल कंपनी इसको देगा इसका सर्विस का पैसा यानी मेरे ओके okay होने के बाद इसका रेवेन्यू डिसाइड होगा ये बताएगा ठीक है चलिए तब तक नहीं कर सकता कहां करेगा मैं मना कर दूं, मैं बोलू, मैं बोलूंगा तो अपने आप ही एसी लगाऊंगा जा उ, उसका तो खर्चा है ना एसी तो बिक गया अब इंस्टॉलेशन वाले की इनकम की बात चल रही है बस अब देखो यहां पे क्या कहता है एक्स रिसेंटली अमाउंट ऑफ प्राइस रिविजन गारंट ग्रांट बाय द गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट ने बोला कि भैया तुम्हें अपने प्राइस हिमाचल प्रदेश सरकार ने बोला कि एक जुलाई 2021 से कंपनी एक्सपेक्टेड रिसीव चालीस हजार फ्रॉम कस्टमर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल मतलब उसने क्या करा हिमाचल प्रदेश में कोई उसने अपना सेल्स बढ़ा दिया सेलिंग प्राइस ही बढ़ा दिया कब बढ़ाया इसने जुलाई में जुलाई कब दो हजार इक्कीस यानी इक्कीस बाईस में सजेस्ट एक्स लिमिटेड अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ द अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इकतीस मार्च क्या करेगा तो कहता है अकॉर्डिंग टू ए एस नाइन रेवेन्यू रिकॉग्निशन रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन पोस्टपोनड टू द एक्सटेंट ऑफ अनसर्टेनिटी मतलब कहा गया कि आप ऐसा जब हो जाए ना गवर्नमेंट का अप्रूवल जहां अनसर्टेनिटी आ जाए तो उसको रेवेन्यू मत मानना सर्टेन हो तब मानना ठीक है ना जहां अनसर्टेन जैसे आपने किसी को सामान बेचा और लग रहा है कि ये पैसा तो वापस आएगा नहीं तो उसको रेवेन्यू नहीं मानना है. तो कहता है कि रेवेन्यू रिकॉर्गनाइजेशन इज पोस्ट पोन्ड मतलब आगे जा सकता है टू द एक्सटेंट ऑफ अनसर्टेनिटी मतलब पक्का नहीं है सरकार ने बोला भैया प्राइस बढ़ा दो सरकार ने आपको बोला ऐसा कर दो अब ये कस्टमर मानेगा ही नहीं मानेगा पता नहीं इन्वॉल्व वे आर द कैपेसिटी ऑफ एसेस ऑफ इवेंट कलेक्शन विद द रीजनेबल सर्टेन एबसेंट ऑफ द टाइम अराइजिंग क्लेम एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्राइस एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है प्राइस को बढ़ा देना आगे कहता है देयर इज नो डाउट अबाउट द अल्टीमेट कलेक्शन चार लाख इनकम ऑन द आफ्टर इस डेट के बाद हमें इनकम मिल जाएगा बिकॉज ऑफ हिमाचल गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी अप्रूव्ड क्योंकि हिमाचल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया यहाँ पे अप्रूव्ड कर दिया है हिमाचल गवर्नमेंट ने रिविजन ग्रांट कर दिया है अप्रूव कर दिया है तब तो पैसा मिल ही जाएगा अप्रूवल के केस में तो इसलिए ये रेवेन्यू जो है इसी साल का माना जाएगा कहता है

और ही आपको 600 सौ स्टूडेंट है तो भैया ये 600 स्टूडेंट है हर किसी से चौदह हजार लेगा और ये जो स्टूडेंट है एडमिशन हुआ है दिसंबर में तो भैया मार्च में तो महीना ही खत्म हो जाएगा और कोर्स कितने महीने का सात महीने का तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च चार महीने इस बार की इनकम मानी जाएगी और बाकी के जो बच गए हमारे कितने तीन महीने वो कब चला जाएगा हमारा अगले साल में चला जाएगा तो यू आर ऑप्शन टू रिकोगनाइज एस कब करेगा कहता है एस पर एस नाइन फ्रॉम ट्यूशन फीस शुड बी रिकॉगनाइज एज अ पीरियड इंस्टीट्यूशन लेक्चर दिस केस पीरियड सेवन सेवन मंथ का है हमारा जो कि यहां से लेके यहां तक चलेगा आउट ऑफ विच फोर मंथ फॉल इन द अकाउंटिंग ईयर सिर्फ चार महीने इस साल में आ रहे हैं और तीन महीने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के अंदर सो दैट ट्यूशन फीस जो टोटल है वो तो इतना है लेकिन चार महीने का यहां आ जाएगा इस साल के अंदर और बाकी का तीन महीने का चला जाएगा अगले साल के अंदर समझ में आई बात आपको यही आपको करके दिखाना होगा इसी तरीके से चलिए एक और सवाल लास्ट क्वेश्चन है क्या कहता है इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन में एम लिमिटेड सर्टेन एंड अगेंस्ट द एम लिमिटेड पेड कहता है कि एम लिमिटेड यूज सर्टेन रिसोर्सिस रिसोर्सिस का मतलब है कुछ चीजें यूज कर रहा है ऑफ एनलिमिटेड का यानी एक एम एम लिमिटेड है और एक एनलिमिटेड है मान लेते हैं एम लिमिटेड ना इसका कुछ प्रोडक्ट यूज कर रहा है कुछ प्रोडक्ट यूज कर रहा है कहता है दो लाख रुपए का और एज इंटरेस्ट दो लाख रुपए एज अ इंटरेस्ट और साढ़े तीन लाख रुपए रॉयल्टी मतलब एम लिमिटेड ने बोला एन लिमिटेड भाई मैं तेरा नाम यूज कर रहा हूं नाम की बात कर लेते हैं इसने बोला कि भैया तेरे से हम लेंगे अगर नाम यूज करेगा तो दो लाख रुपए इंटरेस्ट ले लेंगे और साढ़े तीन लाख रुपए एज अ रॉयल्टी ले लेंगे ले लेंगे बीस इक्कीस में स्टेट वेदन रॉयलिटी होता है हमारा कोई काम हम करते हैं कोई चीज करते हैं ऐसा बड़ा तो उस काम को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता उस पर नाम यूज करना चाहते हो तो उसके लागे क्या लेना पड़ेगा आपको रॉयलिटी देना पड़ता है किसी का नाम ब्रांड को यूज करने के लिए आप ब्रांड यूज नहीं कर सकते हा? क्या? हा, एक तरीके से मान लो है स्टेट वेदर द वट बेसिस दिस रेवेन्यू रिकोगनाइज बाय बताओ क्या एन कितना रेवेन्यू मानेगा तो भैया पैसा तो यही ले रहा है यही तो कहता है अकॉर्डिंग टू ए एस नाइन रिकोगनाइजेशन रेवेन्यू फ्रॉम यूज ऑफ रिसोर्स बिलोंगिंग टू द अदर बिजनेस से हो रहा है इंटरेस्ट रॉयलिटी शुड बी रिकोगनाइज वेन देयर इज नो मेजर अनसर्टेनिटी इसमें कोई अनसर्टिनिटी तो है नहीं पैसा मिल जाएगा एंड रिकवर रेवेन्यू तो कहता है कि इंटरेस्ट का जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पोर्सन टेकिंग अमाउंट प्रिंसिपल इंटरेस्ट उतना ले ले लो जो जो साल के अंदर कर रहा है, royalty, accrual basis पे सारा का सारा का आप आप सकते हो। यानी जब आप ऐसा कोई यूज करोगे पॉइंट मैंने कहा वाला, तीसरा तो इसमें आपको देखना है अनसर्टेनिटी तो नहीं है अगर अनसर्टेनिटी हुआ तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाता है आपका आप एक बार इसको पढ़ोगे टेन ईयर के अंदर भी दिया हुआ है टेन ईयर से रीडिंग मार लोगे आप पेपर कर पाओगे इसका तो ये था हमारा पूरा ए एस नाइन इसके बाद हम फटाफट से ए एस नाइनटीन के दो तीन जर्नल एंट्री रहते थे बुक्स ऑफ जो था लेसर का तो हम सब कुछ कर चुके थे याद है हमें लेसर का करने लेसी का सब कुछ कर लिया था हमने जर्नल एंट्री भी कर लिया था लेसर का हमने कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लिया था बस उसका क्या रह गया था जर्नल एंट्री और एक रह गया था ऑपरेटिंग लीज के जर्नल एंट्री की बात करेंगे तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं धीरज आपने भेज दिया क्या किस पे भेजा वर्क पे या फिर पर्सनली पहले तो वर्क पे भेजा था शायद नहीं नंबर पे भेजा था ना कहा गया एक तो इसको पता नहीं चलता क्या चल रहा है ये बड़ा झमेला जब ही नहीं चलता है हाँ इसमें पता ही नहीं चलता इसमें भेजा था हाँ ये चलिए सर चलिए कुछ लीज के क्वेश्चंस हैं जिसको हम पढ़ लेते हैं कर लेते हैं जो ज्यादा मेजर नहीं था मेजर पार्ट तो हमने कवर कर लिया था सम आपके बुक के ही लीज के क्वेश्चन है जो कि एक बार देख लेते हैं डेप्रिशिएशन से रिलेटेड देखिए क्या कहता है एक्स लिमिटेड हैज अ मशीन वाई लिमिटेड से तीन साल ऑपरेटिंग लीज पे लेता है अब ये ऑपरेटिंग लीज की बात कर रहा है तो ऑपरेटिंग लीज के अंदर कोई एसेट्स कौन रिकॉर्ड करेगा मकान मालिक ही रिकॉर्ड करेगा ठीक है ना लेकिन फाइनेंस लीज में कौन करता है किराएदार रिकॉर्ड करता है इट एस्टिमेटेड आउटपुट पहले साल में बोल रहा है कि आउटपुट जो होगा फर्स्ट ईयर में वो होगा हमारा दस हजार और दूसरे साल में आउटपुट जो होगा वो होगा बीस हजार यूनिट और सर तीसरे साल में जो आउटपुट होगा वो होगा चालीस हजार यूनिट और द आपका एग्रीड एनुअल लीज अमाउंट कितना है सर एनुअल इसे पंद्रह हजार रुपए का लीज देना है किराया देना है कब देना है एनुअल लीज एग्रीड एनुअल लीज फिफ्टीन थाउजेंड ईर वन ईयर टू में कितना देना है बीस हजार ईयर थ्री में कितना देना है पैंतीस हजार कहता है गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री एक्स तो भैया अब जनरल एंट्री किसकी करेगा मात्र डेप्रीशिएशन की कर सकता है बाकी किसी का बसता नहीं नॉर्मली यहां पे जो कर रखा है मैं दिखा दूंगा लीज का किस किस चीज का होना है सबसे पहले देखो आपको डेप्रीशिएशन निकालना है कहता है टोटल लीज पेमेंट प्रॉब्लम रिकॉगनाइज कित किस हिसाब से होगा तो अगर देखा जाए तो टोटल पैसा कितना है सत्तर और जो इनकम मिल रहा है ना वो सत्तर हजार वो रेशियो में बट जाएगा किस रेशियो में बटेगा देखो सबसे पहले हमारा है ये एक मिनट मैं यहां दोबारा पूरा ही कर देता हूं ध्यान दीजिए ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं नंबर वन हमारी इनकम कितनी है पहले ये देख लो सर इनकम जो है पहले साल पंद्रह हजार दूसरे साल बीस हजार तीसरे साल पैंतीस हजार मतलब सर हमारी जो इनकम होगी वो होगी पूरी सत्तर हजार अब सत्तर हजार आउटपुट जितना जितना करोगे उसके रेशो में डिवाइड होगा ना कि जितना रिसीव कर रहे हो तो पहले साल दूसरे साल तीसरे साल आउटपुट अगर देखा जाए तो आउटपुट कितना था दस बीस और 40 रेशियो क्या बन गया 10 बीस चालीस यानी एक दो चार तो सिंपल सी बात है इस सत्तर हजार को एक दो चार के रेशियो में बांट दो ऐसे रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा तो सत्तर हजार को यानी सिंपल सी बात है टोटल इनकम को आउटपुट के रेशियो में बांटना है इनकम कितनी है टोटल और आउटपुट के रेशियो में बांटना है आउटपुट कितना था ये तो इसमें बांट दोगे जब आप तो इसमें दस ले लिया तो एक बटा ही होगा टोटल कितना होगा तीन और सात दस बटे एक बटा सात एक बटा सात कर लो दो बटा सात ये बट गया इनकम अब यहां पे होगा क्या भैया आपको लगा था कि रेवेन्यू पंद्रह हजार होगा लेकिन इनकम तो इसके हिसाब से दस ही हुआ ऐसा हो रहा है ना यानी एक्चुअल जो इनकम रिकॉग्नाइज होना चाहिए सर वो कितना होना चाहिए दस लेकिन पहले साल का बोल रहे होगा पंद्रह यहां डिफरेंस आ रहा है सेम ऐसे दूसरे में बोला बीस यहां पे कितना हो रहा है दूसरे में बीस यहाँ पे भी बीस और यहाँ बीस तो इसमें कुछ नहीं हो रहा तीसरे में चालीस और यहाँ पैंतीस यानी एक जगह पे पांच हजार कम हो रहा है एक जगह पांच हजार ज्यादा हो रहा है तो एस इस तरीके के इनकम को ना एक हम अकाउंट ओपन कर लेते हैं लीज रेंट का मैं बता देता हूँ पहले यहां तक सबसे पहले आप ये बात समझो क्लियर करो नहीं तो मैं नोट पे बता दूंगा एक होता है लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट यानी जो डिफरेंस आ जाता है ना मेरा इनकम कितना होना चाहिए पंद्रह और मिला कितना दस तो पांच का नुकसान उसे डाल देंगे लीज इक्वलाइजेशन अमाउंट में पहले ये समझ जो डिफरेंस होगा चलिए मैं इसको दोबारा या पूरा क्वेश्चन नहीं कर दूंगा इसको बोर्ड पे समझ में पूरा ही आ जाना चाहिए कहता है लीज रेंट मिलेगा कितना पंद्रह और इसे बैंक से भी पेमेंट करेगा कितना अब एक एंट्री ये करना पड़ता है कि भैया लीज इक्वलाइजेशन में चला जाएगा पांच हजार लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में जो हम खर्चा बुक करेंगे वो दस हजार करेंगे और लीज अकाउंट में ये जाएगा इस क्वेश्चन को मैं पूरा ही करा देता हूं अब कुछ कंफ्यूजन ना रह जाए इसी पे आगे टू बी कंटिन्यू चलते हैं ऑपरेटिंग लीज की कहानी मैं समझा देता हूं ऑपरेटिंग लीज सर ऑपरेटिंग लीज क्या कहता है ध्यान से सुनना बहुत सिंपल सी बात है ऑपरेटिंग लीज क्या कहता है बोलता है भैया ऑपरेटिंग लीज ना दो बातें हैं यहां पे आप जो पेमेंट कर रहे हो वो अलग मैटर है आप पेमेंट कर रहे हो जैसे क्या कहता है ये लीज लीज कहता है एक ये है मकान मालिक ठीक है ना और ये जो है एक किराएदार है अब ये मकान मालिक जो मकान मालिक है और दूसरा कौन है किराएदार और क्या चल रहा है हमारा ऑपरेटिंग लीज ऑपरेटिंग लीज में भैया जो एसेट्स है वो मकान मालिक लिखेगा और किराएदार कुछ नहीं सिर्फ किराया देगा लेकिन किराएदार जब पीएंडल बनाएगा तो किराएदार के पीएनएल में आपको जब रेंट दे रहे हो तो रेंट पीएनएल के डेबिट में दिखाना है दिखाना है इसको और ये अपने पी एंड एल के क्रेडिट में क्या दिखाएगा यानी इसके लिए खर्चा और इसके लिए यही कहानी बनेगी सिंपल सी बात है एस नाइनटीन क्या कहता है भैया बोलता है कि भैया जो आप पी एंड एल के अंदर खर्चा दिखाओगे ना परपोसनेट बेसिस पे दिखाओगे यानी जितना इनकम हो रहा है उसके बेसिस पे दिखाओगे सपोज दैट ईयर वन के अंदर ईयर टू के अंदर ईयर थ्री के अंदर मकान मालिक ने बोल दिया कि तेरे को रेंट इतना देना है तेरे को इतने में देना है पांच हजार और यहां देना है छह हजार और यहां देना है आपको चार हजार रेंट लेकिन इसका जो रेंटल जो फैक्ट्री से कितना इनकम जनरेट हो रहा है इसने बोला भैया मेरे पहले साल में तो तीन सौ यूनिट बने फिर मेरे बने दो सौ यूनिट बने फिर मेरे बने पांच सौ यूनिट बने यानी बोल रहा है कि भैया चार हजार किराया दे के मैं ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं लॉ ये कहता है कि जितनी इनकम जनरेट कर रहे हो उसी के हिसाब से रेंट को पीएनडल में दिखाओ और पेमेंट कुछ और जा रहा है पेमेंट तो इसने क्या कर दिया पहले साल में पेड कितना कर दिया सर पहले साल में पेड कर दिया पांच हजार दूसरे साल में कितना पेड कर दिया छ हजार तीसरे साल में कितना पेड कर दिया चार हजार तो टोटल कितना पेमेंट कर दिया पंद्रह हजार की पेमेंट कर चुका है लेकिन पंद्रह हजार प्रोडक्शन के बेसिस पे देखा जाए तो सर पंद्रह हजार में अगर रेशो निकाले तीन दो पांच तो इंटू में तीन बटे में पांच पहले साल में जो इसको फायदा मिला ना इस रेंट से वो कितना मिला मात्र तीन का और पेमेंट कितना कर रहा है पांच. पांच. फायदा तीन का मिल रहा है पेमेंट पांच का कह रहा है तो है तो गवर्नमेंट कहता पीएनल में हम तुम्हें नहीं दिखाने देंगे पीएनडल में तुम तीन ही दिखाओगे बोल रहा है भैया तीन दिखाएंगे पेमेंट तो पांच क्या बोला बाकी आप उसको रिजर्व में डाल दो किसमें जो रिजर्व था इक्वलाइजेशन जो मैं बता रहा था आपको कौन सा लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट समझ में आ रही बात आपको अब देखना एंट्री अब देखना आप कोऑर्डिनेट करना जो अभी आपने समझा फटाफट समझ में आ जाएगा पहली एंट्री आपने ड्यू कर दिया पेमेंट ड्यू कर दिया कि लेसी रेंट अकाउंट डेबिट टू वाई अब यहां पे वाई को हम पेमेंट देंगे इसके बाद क्या करा आपने वाई को पेमेंट दे दिया कौन कर रहा है ये लेसी कर रहा है ना तो लेसी रीज लेसी रेंट अकाउंट मेरा खर्चा है मेरे लिए खर्चा कितना है सर यह है और किसको देना है पेमेंट इसको देना है लो जी पैसा चला गया लेकिन अब पी एन एल की बारी आए तो पीएनएल में परपोर्सनेटली कितना इनकम बन रहा था उसके से दस तो पी एनडल में कितना भेजा और इक्वलाइजेशन में कितना डाल दिया और रेंट लीज अकाउंट ये पूरे पंद्रह कैंसिल हो गए यानी तीन एंट्री हो गया और जिस साल सेम सेम रहा रेशो भी सेम और वो भी सेम उस साल दो ही एंट्री होगा क्योंकि उस साल पी एंडल में भी क्या चला जाएगा सारा अमाउंट चला जाएगा सेकेंड ईयर का देखो फिर से उसको देना है बीस और बैंक से चला गया बीस खत्म कहानी और लीज और ये दोनों क्या हो गया ये तो जीरो हो गया इक्वलाइजेशन वाला पी एंडल में सारा पैसा चला गया तो मेरे वाले एग्जाम्पल के अंदर अगर देखोगे तो पहले साल में क्या कहूंगा बोलूंगा भाई रेंट अकाउंट मैं ले वर्ड हटा रहा हूं रेंट अकाउंट डेबिट और किसको पैसा देना है सर पैसा देना है इसको मकान मालिक को तो मकान मालिक को लैंड लोड कर देता हूं मैं कितना पैसा देना है भैया इसने मांगे थे पांच हजार तो मुझे देने पांच हजार है समझ रहे हो अब मैं इसको पैसा तो दूंगा ये थोड़ी बोलेगा तू कितना माल बना रहा नहीं बना रहा तो मैं बोलूंगा ले भाई लेडलोड अपना तू बैंक से पेमेंट ले ले पांच अब बारी आ गई मैं पी में कितना दिखाऊंगा तो पी पीएनएल में दिखाने के लिए मेरे पास राइट सिर्फ कितना बन रहा है तीन हजार तो मैं दिखाऊंगा सबसे पहले यहाँ पे पी पीएनडल कितने तीन हजार और लेकिन सर रेंट तो पांच का था फर्क आ गया तो यहाँ पे क्या लिख देंगे लीज इक्वलाइजेशन अमाउंट समझ में बात आपको क्लियर है क्या करना नहीं करना अब हम पीडीएफ देख के फटाफट बस फट रीडिंग कर दूं समझ में आ जाएगा तो सर यहां पे थोड़ा बस टाइम बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ दिक्कत नहीं था सबसे पहले अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं चलो एक यही क्वेश्चन था जिसको बताना था वैसे कहता है एक्स लिमिटेड हैज अ टेकन मशीन वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड किराएदार ये मकान मालिक तीन साल पे ऑपरेटिंग लीज पे ले लिया भैया किसने ले लिया एक्स ने ले लिया और बोलता है कि सर इंस्टॉलमेंट मतलब पहले साल की कमाई दस हजार यूनिट बीस हजार यूनिट और चालीस हजार यूनिट लेकिन रेंट पंद्रह हजार बीस हजार और पैंतीस हजार तो पहले क्या करो उस सारे सारे रेंट को कमाई को पहले जोड़ लो जितनी सॉरी पहले जितना भी आप रेंट दोगे उसको खर्चा अपना सारा जोड़ लो और उसको आप इनकम के रेशो में बांट दो जो कि आपकी कमाई कितनी बनती है सर सत्तर हजार और इसका जो रेशियो बन रहा है रेशियो क्या बन रहा है दस दो चार देखो आप दस हजार बीस हजार और चालीस हजार तो दस दो तो इसको जब आप बांटोगे दस डिवाइडेड बाय चार तो एक एक साल में दस हजार इनकम खर्चा होना चाहिए फिर बीस होना चाहिए और चालीस लेकिन सर पहले साल में अगर आप खर्चे की बात करो तो पहले साल में तो ऐसा हुआ ही नहीं ना पहले साल में तो आप खर्चा कितना पेमेंट कितना कर रहे हो उसको पंद्रह कर रहे हो लेकिन आपके हिसाब से तो दस है तो बाकी कहाँ चला जाएगा लीज इक्वलाइजेशन अमाउंट में तो अब देखिए आप, आप यहां पे जनरल एंट्री पहले साल की जनरल एंट्री देखिए समझ में आया पहला रेंट पैसा दिया डिफरेंस आया इक्वलाइजेशन दूसरे साल में रेंट पैसा दिया पीएनडल में ट्रांसफर तीसरे साल में रेंट पैसा दिया और यहां पे हुआ क्या था हमारा कम पड़ रहा था पैसा तो इक्वलाइजेशन कहां चला गया क्रेडिट में खत्म कहां कोई दिक्कत इसमें ये था किसका सर जनरल एंट्री लेसी ऑपरेटिंग लीज के केस में किस में लेसी वैसे ऑपरेटिंग लीज का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता फाइनेंसिंग लीज वाला ही पूछा जाता है ये तो बस एक्स्ट्रा मान के चलो कर रहे हैं अब आ जाते हैं रेंटल इनकम की बात करते हैं <laughs> अब इधर देखो ये है मकान मालिक और ये है किराएदार अब किराएदार क्या एंट्री करेगा वो तो देख लिया अब हमें मकान मालिक एंट्री क्या करेगा देख ले, देखना है जैसे उसे रेंट से पैसे लेना है तो इसके लिए डेटर बन जाएगा ये तो ये कहेगा भैया डेटर से पैसा लेना है और किसके लेने हैं रेंट के पैसे लेने हैं यानी नाम

और लास्ट में साल के इस डेप्रिशिएशन और इनकम को सभी को पीएंडल में ट्रांसफर करेगा ठीक है चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है सर क्वेश्चन में क्वेश्चन में कहता है आउटपुट ऑफ द मशीन कहता है पांच सालों का मशीन ये दूसरे साल का ये तीसरे सॉरी एस्टिमेटेड फाइव थाउजेंड यूनिट ईयर वन ईयर टू और ये ईयर थ्री और ये ईयर फोर और फाइव पांच सालों का आपका बता दिया कितना होगा पहले साल में कितना यूनिट दूसरे साल में तीसरे में चौथे में और पांचवे में द गिविंग फॉलोविंग तीन साल के लिए कामकाज चलना है अभी फिलहाल के लिए अब इक्वल अमाउंट लीज पच्चीस परसेंट ऑफ प्रॉफिट मार्जिन लाख ये कहता है कि भैया जो मैं लीज के रखूंगा ना वो पच्चीस परसेंट जितना भी है उस पर प्रॉफिट रखूंगा डेप्रीशियन चार्ज ऑन द आउटपुट बेसिस डेप्रीशियन चार्ज होगा इस बेसिस पे मतलब अगर आपका एसेट एक लाख का है और पांच साल चलना है तो इसको रेशो में बांट दो एसेट्स को क्योंकि लाइफ अगर पांच साल है तो पांच साल बाद जीरो हो जाना है तो इन्हीं पांच सालों में तो बटेगा लेकिन अब एस होता तो टेन परसेंट पंद्रह परसेंट डब्ल्यू डीबी होता तो उसके हिसाब से यहां पे देखा जाए ना एस एल एम ना डब्ल्यू डीबी पांच या फिर पचास पंद्रह बीस और आठ और दो में ठीक है तो यहां पे देखो क्या कहता है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन फॉर थ्री ईयर पूछा जो गया है कंप्यूट एनुअल इनकम ऑफ आपका लीज रेंट का कितना इनकम होगा गिव जर्नल एंट्री ऑफ Z लिमिटेड में Z कौन है सर Z कहां से आ गया सर अच्छा लीज बाय Z तो Z के बुक्स में यानी लेसर के बुक में तो पहले देखिए कहता है सबसे पहले डेप्रीशिएशन कॉस्ट ऑफ मशीन इतने का था और मैंने बोला था कि भैया फाइव किस्तों में जाएगा तो फाइव किस्तों का आउटपुट जो मैंने लिखा था क्या क्या था आउटपुट अगर आपको याद हो तो उसको पहले मैंने उसमें बांट दिया डेप्रीशिएशन देख लो पहले आप पहले साल का क्या था देखो मेरे पास तो ऊपर नीचे हो रहा है थोड़ा ये आप बताना पंद्रह पांच पंद्रह और बीस है ना बताना पांच पंद्रह बीस और एक आठ दो टोटल कितने हो गए पचास हजार को इन सभी में बांटना है हमें कितने हमारा एसेट्स कितने का है तो चार लाख ही बटेगा सब में तीन सालों के लिए बांटना है तो बस तीन साल का ले लो पहले का पांच पंद्रह और बीस आगे का पूछा ही नहीं तो ये दोनों लेंगे नहीं अगले का अगर मैं डेप्रिसिएशन पूछ लेता तो इसी से बढ़ जाता ये हो गया गया पहले साल दूसरे साल साल दूसरे तीसरे का डेप 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 कोई दिक्कत समझ में आ गया। की एंट्री क्या होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट और उसके बाद पी पीएन में भेज दोगे आप उसको अगला कहता है टोटल लीज रेंट कितना होगा बताओ तो भैया मैं पच्चीस परसेंट मार्जिन रखूंगा तो मेरे हिसाब से कितना होगा पांच लाख होगा ना

ये पचास याद रखना मैं ही दिखा देता हूं यहां रेंटल इनकम नहीं दिया बस बोला इसने पच्चीस परसेंट बढ़ा के देगा तो कहता है भैया आउटपुट ड्यूरिंग द लीज पीरियड कितना आउटपुट होगा लीज पीरियड में चलिए मैं ही देता हूं पहले साल पंद्रह पंद्रह था ना दूसरे साल पांच था दूसरे साल तीसरे साल चौथे साल आठ और कितने तो अब हमें अपना डेप्रिशिएशन तो बांट लिया अब इसी के हिसाब से हमें लीज रेंट भी निकालना है तो भैया मेरा जो है ना इस पांच साल में इस पांच साल में मेरा पांच लाख रुपए रिकवरी करना है तभी तो मैं प्रॉफिट पे जाऊंगा कितने का खरीदा चार लाख आपको कुछ आप चार ला, चार भी नहीं फायदा हुआ मैंने बोला मैं रिकवर कितना करूंगा पांच लाख पच्चीस परसेंट प्रॉफिट अब पांच लाख में हर साल कितना कितना होगा वो भी तो डिसाइड करना होगा तो वो आउटपुट बेसिस पे होगा इसका मतलब सर सिंपल सी बात है अगर 25% परसेंट आप कमाओगे तो आप चार लाख ,00 पे 25% परसेंट जोड़ो तो आपका जो एसेट्स का वैल्यू होगा जो रिकवरी करोगे पांच लाख और टोटल कितने आपका आउटपुट है पचास हजार और तीन साल का आउटपुट आप काउंट कर लो आप तो इसका रेंट निकालना चाहते हो तो इसका रेंट कितना है तो चालीस हजार से आपने डिवाइड कर दिया तो यानी आपको चार लाख रुपए तीन साल में रिकवरी करनी है अगर चार लाख रुपए आपको तीन साल में रिकवरी करनी है तो एक साल में इतने का रिकवरी करना है दैट इज आपका रेंट इतना लेना पड़ेगा हाँ बाकी दो साल में कितना लोगे फिर से एक लाख बाकी के दो साल में बच जाएगा लेने के लिए उसको दो से डिवाइड कर देंगे पचास तो पचास बाकी ले, ले लेंगे बाद में समझ में आई बात आपको ये क्या हो गया रेंटल इनकम मेरी इनकम है और ये ऊपर वाला क्या हो गया डेप्रीशिएशन मेरा खर्चा है ठीक है चलो आगे देखिए जनरल एंट्री मशीन ऑपरेटिंग लीज टू परचेज ये क्या एंट्री हो गया सर अब देखो मैंने सबसे पहले एसेट्स खरीदा एसेट्स मेरे लिए डेबिट हो गया अब परचेज मैंने उधार पे अगर खरीदा है तो टू परचेज नगद में खरीदा है तो बैंक मेरे पास से पेमेंट चले गया कौन कर रहा है लेसर कर रहा है जो मकान मालिक है इसके बाद क्या करा उसने लेसी टू रेंट रिसीव मतलब मैं डेटर बना रहा हूं उससे रेंट मिलेगा उसने मेरे बैंक में पैसे डाल दिए बात खत्म समझ में आई बात आपको एक साल, एक साल की बस फिर अगले साल इनकम इनकम की एंट्री करेगा वो। इसके बाद आगे चले अगर हम तो क्या कहता आगे फिर से हमने क्या करा रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में पचास हजार रुपए क्या था डेप्रीशिएशन याद करो और आपका यहां पे सॉरी पचास हजार रुपए आपका क्या बन रहा था जो उसके अकॉर्डिंगली था बाकी लीज इक्वलाइजेशन अमाउंट में डाल दिया ये एंट्री आप ना भी करो तो चलेगा एग्जाम में दो एंट्री कर दो तो इनफ है अगला फिर से डेप्रिशिएशन कर दिया उसने कितने चालीस हजार आगे प्रॉफिट एंड लॉस में ये हो गया बात खत्म प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल डेप्रीसिएशन भेज दिया तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन जो ऑपरेटिंग लीज और मैं अगेन कहूंगा कि ऑपरेटिंग लीज के सवाल एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे आपके जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो आएंगे सिर्फ फाइनेंसिंग लीज के जो लास्ट क्लास में करा था एमपीएल वाला याद है ना एक बार फटाफट से मैं बता दूं थ्योरी मैंने ऑलरेडी डाल दिया है थ्योरी का पार्ट क्या है अजम्पशन और प्रिंसिपल ऑलरेडी फोल्डर में जाओ वहां मिल जाएगा आपको अजम्पशन प्रिंसिपल एएस9 भी हो गया अब क्या-क्या चीजें करने बता क्लैरिटी कर दूं मैं बच्चों को नहीं नहीं। देखो एक थ्योरी की बात करें ना इलेवेंथ हटा देते नहीं तो आप इलेवंथ को ही पकड़ के बैठ जाओगे थ्योरी की बात करें ना तो थ्योरी किससे आएगा सर ए एस नाइन से आएगा सर किससे आएगा ए एस नाइनटीन से आ सकता है और किससे आएगा प्रिंसिपल से आएगा और किससे आएगा सर आई एफ आर एस से आएगा ये ऐसे चैप्टर है आई और प्रिंसिपल एक थ्योरी अजम्शन एंड प्रिंसिपल के नाम से फोल्डर बना के कराया हुआ है ये पूरा करना है नाइन और नाइनटीन हो गया इसके बाद थ्योरी कहां से आएगा डेप्रीशियशन में से आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसएलएम और डब्ल्यू जो बताया था मैंने समझ रहे हो बात को इसके बाद कहां से आ सकता है ब्रांच में से भी कुछ पॉइंट पूछे जा सकते हैं आपके डिपार्टमेंटल क्या होता है इसको बताइए डिपार्टमेंटल और ब्रांच में क्या डिफरेंसेस है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो मान के चलो आपके जैसे कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल पांच नंबर ऑफ क्वेश्चन पांच आ रहे हैं अठारह नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है नब्बे नंबर का पेपर आ रहा है तो सर अगर आपका नब्बे नंबर का पेपर आ रहा है और अठारह क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब आ, पांच क्वेश्चन आ रहा है तो बड़ी सीधी सी बात है आपका एक क्वेश्चन पूरा थ्योरी का होगा अठारह नंबर का अठारह थ्योरी हो गया चाहे अब ए में मिले बी में मिले सी में मिले वो आपकी किस्मत की बात है अठारह का थ्योरी हो गया पंद्रह नंबर का फाइनल और एनपीओ होगा अठारह का मान लो पंद्रह नहीं अठारह का ही पूरा एक ही क्वेश्चन देंगे वो तो दो क्वेश्चन हो गए डेप्रीसिएशन का एक अलग क्वेश्चन होगा और इन्वेंट्री मर्ज करके देगा तीन क्वेश्चन हो गए ब्रांच अलग ही होगा एक पूरा डिपार्टमेंटल ब्रांच एक अठारह चार और एक कंप्यूटर का क्वेश्चन अब वो देंगे नहीं देंगे भगवान जाने पांच ये बनता नहीं तो एनपीओ और उसको अलग करेंगे देखो स्टेप मार्किंग होता है लेकिन अभी आपको पूरा ही करोगे और जितना ठीक होगा उतना ही होगा लास्ट में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा मतलब कि स्टेप मार्किंग आपको दी जाती है करने के लिए तो उसमें एग्जामिनर के मूड के ऊपर है किसी बच्चे को आपका सेम आंसर और दूसरे का सेम आंसर है किसी को नौ नंबर मिल रहा है किसी को तेरह मिल रहा है वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता करता है बिल्कुल ऐसे नहीं करता कि बच्चे ने ये वाला अमाउंट ठीक लिखा यहां एक बटे दो मिलेगा ये अमाउंट ठीक लिखा नंबर मिलेगा ऐसा नहीं होता पूरा पेपर चेक करेगा बच्चे का गलत है चलो दे देते दे हैं आठ नंबर खत्म करो ऐसे होती है स्टक मार्किंग अगर ऐसे डिटेल में पेपर चेक करने लग गए तो बहुत बच्चे फेल भी हो जाएंगे और पेपर भी चेक नहीं होगा जल्दी से आपने वही पूछ लिया अब एग्जामिनर के मूड के ऊपर बात है यही स्टेप मार्किंग है स्टेप स्टेप मार्किंग मार्किंग क्या है स्टेप मार्किंग मूड टैली के अंदर आप जरूर देखिए सेफन साइड में बोलूंगा टेली में क्या करें टेली के फीचर्स टैली के एडवांटेजेस और टैली के क्या क्या किस तरीके से इन्वॉल्व uh, होता है वो जीएसटी में से भी थ्योरी पूछा जा सकता है जीएसटी के ऑब्जेक्टिव और जीएसटी का सारा किस तरीके से हम जनरल एंट्री वगैरह कर सकते हैं जो कि मैंने बताया था जनरल एंट्री में इनपुट क्या होता है आउटपुट क्या होता है इंट्रा और सेंडवेट क्रेडिट यानी इनपुट कैसे लिया जाता है वो पूछा जा सकता है अपलोड कर चुका हूं मैं ये थ्योरी ना ऑलरेडी अपलोडेड है आप जाके देखिए उस सेक्शन में आपको मिल जाएगा मैं हाईलाइट भी कर दूंगा तो बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टाइम मैंने यहाँ कंज्यूम कर लिया प्रैक्टिस कब करोगे फिर आप तो अभी मैं यहीं तक बाकी जिसके डाउट होते हैं डाउट आप व्हाट्सएप पे भेजो वॉइस एस एस के थ्रू भेजो कल एग्जाम है अगर ज्यादा डाउट हुआ तो मॉर्निंग में बोलोगे तो एक क्लास रख लेंगे नहीं तो आप प्रैक्टिस करो मैंने जो स्ट्रेटेजी बताया था अब हां एक चीज और बता दें आपको लास्ट जाते जाते एक काम और कर लेते हैं देखिए क्वेश्चन पेपर में पहले कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए सेलेक्शन में भी कई बार दिक्कत हो जाती है कि हम गलत क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से हम काफी नॉर्मली तो होता क्या है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं और दूसरी क्या क्या सावधानी बरतना है आपको एग्जाम में पहली चीज आंसर एक दूसरे से मैच ना करें जो कि हम अक्सर करते हैं कि किसी का क्या एनपी आया किसी का क्या जीपी आया किसी का बैलेंस शीट का क्या आ रहा है अगर आप मैचिंग करने लगोगे आपका पेपर पूरा नहीं होगा आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि भैया जो मैंने किया है ठीक है क्योंकि बैलेंस शीट मिल जाने का मतलब हंड्रेड परसेंट ठीक नहीं हो कुछ एंट्री उसने छोड़ दिया हो तब भी मिल जाता है और कई बार अपने लाइफ में ऐसा ऑब्जर्व भी किया होगा कि आपका आंसर ठीक था लेकिन दूसरे की वजह से आपने उसको काट के गलत कर दिया तो उस बात का ध्यान रखना है पहले कौन से क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है नंबर वन आपको नंबर वन पे थ्योरी पार्ट को कवर करना चाहिए आता है तो ठीक है ना अब आई नहीं रहा और बोल रहे थ्योरी कर ले पार्ट पे थ्योरी कवर करो इसके पीछे लॉजिक और रीजन क्या है थ्योरी कितना भी बड़ा आ जाए आपको आधा घंटे क्योंकि देखो पांच क्वेश्चन आ रहे हैं तीन घंटे मिल रहे हैं और पांच क्वेश्चन तीन घंटे को पांच से डिवाइड कर दो एक क्वेश्चन के लिए कितने घंटे मिल रहे हैं आधा घंटा क्योंकि तीन घंटे में कितने मिनट होते हैं एक सौ अस्सी पांच से डिवाइड कर दो हाँ चालीस आप आधा मान के चलो ना आधे घंटे मैंने एवरेज मान लेते हैं कि आधे घंटे के हिसाब से देखा जाए तो डेढ़ सौ मिनट में पेपर खत्म होना चाहिए जो कि ऑलमोस्ट हो जाता है ढाई घंटा तो मैं आप चालीस मिनट भी मान लो तो थ्योरी को ना कितना भी ज्यादा थ्योरी हो जाए आपको याद अगर हो ना तो आप पच्चीस बीस मिनट से ज्यादा नहीं लोगे आप यानी ये जल्दी कवरिंग हो सकता है पहली बात थ्योरी अटेम्प्ट करना है नंबर दो पे क्या अटेम्प्ट करना चाहिए सर नंबर दो पे आपको इन्वेंट्री वाला क्वेश्चन कर लेना चाहिए झंझटी खत्म लिफो फिफो उसमें टाइम टेकिंग लगेगा फॉर्मेटिंग करने में मुश्किल नहीं होगा नंबर दो पे इन्वेंट्री नंबर तीन पे क्या करना है सर नंबर तीन पे आप डेप्रीशिएशन करोगे मुश्किल बिल्कुल भी नहीं आएगा सिंपल सा है रिद्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता नहीं प्रोस्पेक्टिव चलता है जो भी एसेट्स वैल्यू हो गया ये नंबर तीन के बाद नंबर चार पे क्या करोगे आप ब्रांच कर लोगे ये भी आसान है पी एल तो बनाना है नंबर छह पे क्या करोगे आप डिपार्टमेंटल कर लोगे नंबर सात पे आप करोगे फाइनल अकाउंट जो कि कुछ बच्चे प्लान कर रहे थे कि पहले नंबर पे किया जाए तो नंबर सात पे करना है ये आपको। इसके पीछे बेसिकली रीजन है है। क्योंकि इसके अंदर यू नो के आंसर क्या है। आपको पता है इसका आंसर क्या है क्योंकि बैलेंस शीट का टोटल करने से आपको सीओटी मिल जाता है कि हमारे आंसर्स क्या है और अगर आपको पता चल जाए ना कि आपका आंसर गलत है तो आप दोबारा क्वेश्चंस को पढ़ोगे फिर उसी में लगे रहोगे और आपका एक से डेढ़ घंटा निकल जाएगा बाकी सब छूट जाएगा थ्योरी में कभी किसी से नहीं पूछोगे कि क्या लिखा है जो लिख दिया सो लिख दिया बात खत्म इन्वेंट्री में हर किसी का अलग अलग आ सकता है लास्ट में जो आपने कर दिया सो कर दिया डेप्रीशिएशन कोई आंसर किसी का पता ही नहीं है कि ठीक होगा कि नहीं होगा लेकिन इस सवाल के अंदर ऐसा होता है आपका बैलेंस शीट मैच नहीं होगा ना डेफिनेटली पूछेगा तेरा बैलेंस शीट का टोटल क्या आ रहा है एक बार ये पता चल जाए अब उसने यह बता दिया अब उसको ढूंढने में लगे और लगे और लगे और लगे हो कोई फायदा नहीं है टाइम जा रहा है तीन घंटे में आपको जो करना है वो करना है लास्ट में आपको एनपीओ करना है लेकिन एनपीओ को ना आप पहले नंबर पे भी कर सकते हो अगर आपका इसमें टॉपिक वाइज वाला क्वेश्चन आ जाए जैसे कि कंज्यूम निकालना स्टॉक याद है ना स्टॉक कंज्यूम कैसे निकालते हैं या फिर सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना या फंड बेस्ड अकाउंटिंग तो उसे पहले नंबर पे निपटा दोगे अगर फुल क्वेश्चन आता है इसमें से तो आप इसे लास्ट में लेके जाओ हालांकि क्वेश्चन आप ढाई घंटे का फॉलो करना घड़ी लेके जाना है आपको वॉच पहन के जाना है और टाइम इस तरीके से लेके चलना है कि भैया पेपर हुआ एक क्वेश्चन हमने उठाया तीस मिनट अभी हमने अगर साढ़े ढाई बजे पेपर स्टार्ट किया या साढ़े नौ बजे जो भी चल रहा है ढाई बजे स्टार्ट किया तीन बजे तक क्वेश्चन वन खत्म हो जाना चाहिए ये टारगेट होना चाहिए आपका क्वेश्चन कर रहे हो तो बीच बीच में देखना भी नहीं ऐसे ऐसे नहीं कि ढाई घंटे बाद देख रहे हो कि खत्म हो रहा है नहीं हो रहा आपको हर पांच सात मिनट बाद घड़ी को सामने रख के देखना है कई बार ऐसा होगा आपके सामने कि ये क्वेश्चन चलो 20 मिनट में खत्म हो गया ठीक है अब अगले क्वेश्चन में आपको दौड़ भाग नहीं करना आराम से करो बिल्कुल रिलैक्स मोड में करो अगला क्वेश्चन उसके ऊपर भी टाइमिंग चेक करते जाओ टाइमिंग चेक करते करते मान लेते हैं अगले क्वेश्चन में ले गया पचास मिनट अब आपको तैयार हो जाना है तीसरे क्वेश्चन में स्पीड बढ़ाने के लिए अब आपको आराम नहीं करना <laughs> गलत करने के लिए नहीं जाना आगे आपको स्पीड बढ़ाने के लिए मतलब भैया ऐसा क्वेश्चन सिलेक्शन करो जो कि 20 मिनट में हो जाए 20 मिनट कब आ चुके हो पहले क्योंकि आप बचाना भी तो है तब जाके पूरा पेपर अटेम्प्ट होगा हालांकि क्वेश्चन दिखने में लगता है पांच क्वेश्चन लेकिन वो पांच लेंदी होता है वो तीन घंटे भी कम देखो एक जिसको कुछ नहीं आता होगा डेढ़ घंटे में कर लेगा पेपर ठीक है जिसको पूरा आता होगा उसका नहीं होगा और वो सीट भी ज्यादा नहीं लेगा जो ज्यादा सीट ले रहा है मतलब समझ जाओ कुछ नहीं आ रहा भाई उसे वो फालतू के इधर उधर की कहानियां लिख रहा है क्योंकि भैया इतनी सीटें मिलती है आपको मेरे ख्याल कितने पेजेस का होता है वो सीट बीस चौबीस भाई चौबीस पेज है एक क्वेश्चन एनपीयू के दस पेज में ले जाओगे तीन पेज में हो जाता है एक सवाल मैक्सिमम से मैक्सिमम चार पेज में हो जाता है चौबीस पेज दे रहे हैं तो छह सवाल हो सकता है सीट की जरूरत ही नहीं है आप जबरदस्ती के कोई सीट ले रहा है तो आप ये मान के चलो कि मैं भी सीट लेके दिखाऊंगा उसका कोई मतलब नहीं बनता ये चीज आप ध्यान रखना तो हमेशा रखना और किसी को कुछ मत बताओ भैया अपना कर लो बस अपने और ना ही पूछो जब तक अनटिल अनलेस तो ये सिलेक्शन आप रखना बाकी मैं कहूंगा आपको अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि आप दो बजे आपने उस क्वेश्चन को देखा सारे प्रॉफिट वगैरह करा प्रैक्टिस और एज इट इज आ गया होता है कई बार ऐसा तो फिर आप ऐसा मत करना वो क्वेश्चन आपको पूरा माइंड में अगर याद है तो पहले उसे कर लो जाके ठीक है तो ये रहेगा हमारा पूरे पेपर करने का पैटर्न ऑनर्स वालों और प्रोग्राम वालों का सेम पेपर आना है कोई फर्क नहीं होगा सेम दोनों के लिए ये ठीक है दोनों के लिए बिल्कुल सेम है तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा वैसे ही मैं दो घंटे के आसपास ले चुका हूँ तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप घर पे जाइए खाना पीना खा के सोना नहीं है सिर्फ आपको पढ़ना है जो टॉपिक रह गया लास्ट क्लास में बता दिया था स्ट्रेटेजी करिए उसको ठीक yes, okay. <laughs> है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट है बच्चों के आप चैट कमेंट में डाल दीजिए चैट में डाल दीजिए या फिर व्हाट्सअप पे डाल दीजिए प्रोग्राम वालों का उसका देखेंगे ओके भाई